Hi class 10, this is your educator Shubham Pathak and welcome to the class where we are going to study gender, religion and caste. It is a chapter in your political science यानी कि civics का chapter है और दो सालों से तो ये chapter syllabus से omitted था, finally इस साल आया है. It is my the most favorite chapter of your entire class 10th. तो मुझे इस chapter को पढ़ाने में बहुत मजा आता है. आपको इस chapter को मुझसे पढ़ के अच्छा लगा कि नहीं ये मुझे comments में जरूर बताइएगा. तो चलिए live chat start करते channel और channel कह रहे हो class start कर दें. Hi, hello, good evening. ओके, लेट्स स्टार्ट. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. तो पहली बात तो सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं. देखो सोसाइटी क्या होती है, लोगों का समूह होता है बहुत बड़ा सा जो समाज बना लेता है. समाज का मतलब सोसाइटी. अब सोसाइटी में अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं. दे कुड बी बिलोंगिंग टू वन पर्टिकुलर रिलीजन. रिलीजन के नाम पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लैंग्वेज के नाम पे हो सकते हैं, जेंडर के नाम पे हो सकते हैं, सेक्स के नाम पे हो सकते हैं. येस, जेंडर एंड सेक्स आर नॉट द सेम थिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे. बट कहने का मतलब है कि सोसाइटी में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं. इसमें से कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो डेमोक्रेसी में एड्रेस करना बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए. सब लोग जो हैं एक समान होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, राइट. इसीलिए कुछ सोशल डिफरेंसेस का डेमोक्रेसी में लाइमलाइट में आना या डेमोक्रेसी में उसके बारे में बात होना या उसका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है. डिपेंड करता है कि डिवीजन का नेचर क्या है, ऑब्वियसली कितने लोग उस डिवीजन की वजह से कितने लोग उस समुदाय को बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है. बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ऐसे ही तीन इंपॉर्टेंट सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक है जेंडर के बेसिस पे, दूसरा है रिलीजन के बेसिस पे, तीसरा है कास्ट के बेसिस पे. क्यों ये तीन चीजें हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल हैं और कैसे एसेंशियल हैं वो आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है. पहले जेंडर इन पॉलिटिक्स, जेंडर और पॉलिटिक्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, पहले जेंडर समझते हैं, ठीक है. तो बिफोर वी बिगिन, इससे पहले कि हम जेंडर और पॉलिटिक्स की बात करें, एक बात बहुत अच्छे से आप जान लीजिए कि सेक्स और जेंडर सेम चीजें नहीं होती हैं. हर सोसाइटी में आपने देखा होगा लड़का और लड़की के बीच का भेदभाव. हमारी इंडियन सोसाइटी में अलग से नहीं होता है, ग्लोबल लेवल पे जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है और जेंडर के बेसिस पे लोगों को रोल असाइन होते हैं कि भाई तुम इस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हो तुम्हें तो यही काम करना चाहिए, तुम इस पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हो तुम्हें यही काम करना चाहिए. पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम जेंडर को सिनोनिमसली यूज करते हैं एज सेक्स. आप बताती हूँ मैं सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है. इस चार्ट को देखो आप. देखो सेक्स वो होता है जो बायोलॉजिकली डिटरमाइन होता है, यानी कि जब एक बेबी पैदा होता है तो अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हम सेक्स डिफाइन कर सकते हैं कि क्या बच्चा मेल पैदा हुआ है कि बच्चा फीमेल पैदा हुआ है या बच्चा अदर पैदा हुआ है, यानी कि ट्रांसजेंडर पैदा हुआ है. अब जेंडर होता है फीमेल या मेल, जिसे हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं सेक्स के साथ. मैन या वुमेन सेक्स हो गया, जेंडर हो गया मेल फीमेल, हम इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जिसमें कि जेंडर बायोलॉजिकली डिफाइन नहीं होता. जब बच्चा पैदा होता है तब जेंडर डिफाइन नहीं हो जाता, जेंडर कल्चर डिफाइन करता है. हम एक बच्चे को किस तरीके से पाल रहे हैं, उसे किस तरीके की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखा रहे हैं, उसे किस तरीके के इमोशंस को बढ़ावा देने को सिखा रहे हैं, उसे किस तरीके की अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, वो किस तरीके के कल्चर में बच्चा डिफाइन हो रहा है, उसे किस तरीके का एटमोसफेयर मिल रहा है और उसे किस तरीके की सीख मिल रही है. इस सीख को बोला जाता है सोशलाइजेशन. उसे किस तरीके की बचपन से सीख मिल रही है कल्चर लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, उससे हम डिफाइन करते हैं मेल फीमेल. प्रॉब्लम ये आती है कि हम सोचते हैं कि अगर एक इंसान, अगर एक ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकली मैन पैदा हुआ है तो उसे मेल ही होना है और हम इसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना देते हैं. हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ये तो जेंडर जो है नेचुरली डिफाइन होता है. अभी हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि जेंडर नेचुरली डिफाइन नहीं होता, सेक्स नेचुरली डिफाइन होता है, लेकिन हम जेंडर को भी नेचुरली डिफाइन मानने लगते हैं और अनचेंजेबल मानने लगते हैं कि अगर आप एक पहले फीमेल जेंडर अपना के बैठे थे तो आप मेल जेंडर नहीं अपना सकते, या आप फीमेल बॉडी लेके यानी कि वुमेन की बॉडी लेके अगर पैदा हुए थे तो आप मेल जेंडर नहीं अपना सकते. और यहीं पे आती है दिक्कत. तो ये तो हो गई एक दिक्कत बच्चा जेंडर और सेक्स से रिलेटेड. अब दूसरी दिक्कत जो सबसे बड़ी, जो आपको ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट का मतलब आपको सब जगह दिखाई देती है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. लेबर का मतलब होता है काम. हम क्या करते हैं, काम को
पहली बात तो हमने सेक्स और जेंडर को एक ही बात मान ली, ये सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरा, अब हमने काम को जेंडर के बेसिस पे डिफाइन कर दिया। हम कह रहे हैं लड़कों का एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है और लड़कियों का पर्टिकुलर अदर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम मानते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता वाली सोसाइटी, जहाँ पे रूल बाय द फादर चलता है, जहाँ पे रूल बाय द मैन चलता है, वहाँ मानते हैं कि लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो घर के बाहर जाए और पैसे कमा के लाए, और लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर का काम करें। बोलो कि मैम इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि जब हम ऐसा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं या फिर जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं, इसमें हम एक जेंडर के किए, एक सेक्स के द्वारा किए हुए काम को वैल्यू नहीं देते और दूसरे सेक्स के द्वारा किए हुए काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर की औरतें जो कुकिंग करती हैं 24 घंटे, क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है, क्लोथिंग होती है, टेलरिंग होती है, ये सारे काम की हम वैल्यू नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि आदमी ये काम नहीं करते, आदमी ये काम तभी अपनाते हैं जब इन काम को बाहर जाके करने के पैसे मिल रहे होते हैं। घर में तो कुकिंग और क्लीनिंग के कोई पैसे नहीं देता अपनी मम्मी को, अपने सिस्टर्स को, राइट, अपने आसपास की औरतों को। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े कैफेज में जो हेड शेफ्स होते हैं या जो शेफ्स होते हैं वो लड़के होते हैं, जो बड़े बड़े टेलर्स होते हैं, बुटीक ओनर्स होते हैं, वो लड़के होते हैं। तो जब इसी काम के जब पैसे मिलते हैं तो आदमी इस काम को अपना लेते हैं, लेकिन जब ये काम पूरी जिंदगी औरतें करती हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि सारी औरतें जो हैं ये रोल को अपना के बैठी हैं, जमाना धीरे 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 बदला है और धीरे धीरे औरतों ने हाउस होल्ड वर्क के अलावा भी चीजें अपनाई हैं, है ना। अ सिस्टम इन विच ऑल द वर्क इन साइड द होम इज ईदर डन बाय द वुमेन और ऑर्गेनाइज बाय देम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा ये। कई बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो हमारी मम्मी ये काम नहीं करती, हमारे घर में तो डोमेस्टिक हेल्प है। डोमेस्टिक हेल्प से काम करवाने का जिम्मा किसके पास होता है? कभी देखा है कि घर के आदमी डोमेस्टिक हेल्प को बोले कि ये कोना साफ कर दीजिए या आज वो कर दीजिएगा, आज वो कर दीजिएगा? नहीं। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ ये नहीं है कि आपको खुद से काम करना है, पर हम ये मान के चलते हैं कि घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के कामों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो औरत की है। अगर आप एक सो कॉल्ड ओपन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आप घर में मेड जरूर लगा लेंगे, डोमेस्टिक हेल्पर्स जरूर लगा लेंगे, लेकिन उनसे भी काम कौन करवा रहा होगा? घर की औरतें करा रही होंगी। तो दिस इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ, आदमियों को ऐसे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर टास्क औरतों द्वारा ही होने चाहिए और आदमी वो टास्क तभी लेते हैं जब उस टास्क के पैसे मिलते हैं। अदरवाइज घर में कभी भी वही आदमी जो बाहर जाके शेफ बनेगा, वो आदमी घर में आके खाना जो है किसी औरत से बनवा के ही खाएगा। तो इस तरीके का सिस्टम क्रिएट हो गया है अक्रॉस द सेंचुरीज और ग्लोबली क्रिएट हो गया है। सिर्फ डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि औरतें और कोई काम नहीं करती हैं। गाँव में जो है औरतें बाहर जाके पानी लाती हैं, सूखी लकड़ियाँ बिन के लाती हैं घर में, ताकि चूल्हा जल सके। शहरों में हम देखते हैं मिडिल क्लास सोसाइटी की जो औरतें होती हैं वो बाहर जाके काम करती हैं, कॉर्पोरेट्स में काम करती हैं, लेकिन इन औरतों को फिर भी घर में आके काम करना पड़ता है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आप ब्रेकफास्ट बना के जाओगे, आके डिनर बनाओगे, या आप नहीं बना के जाओगे तो आप मेड से बनवा के जाओगे, वो सुपरवाइज करने का काम भी आपका है, राइट। तो इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। डेफिनेटली ज्यादातर हमारे, हम जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हमारे आसपास की औरतें शायद घर से बाहर निकल के भी काम करती होंगी, लेकिन घर के अंदर वो जो काम करती हैं उसका ना तो पेमेंट मिलता है, कोई पैसे तो दूर की बात, रिकग्निशन नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती। हम मान के चलते हैं कि आज टिफिन नहीं मिला तो मम्मी से ही नाराज होना है, पापा से भी तो नाराज हो सकते हैं टिफिन नहीं मिला स्कूल में तो, है ना, कि मेरा लंच का है, बट दैट्स द प्रॉब्लम। एनीवे, रिजल्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस डिवीजन ऑफ लेबर से प्रॉब्लम क्या आता है कि औरतें जो ह्यूमैनिटी की, जो ह्यूमन रेस की आधी से ज्यादा जनता है, 50% ह्यूमन रेस इज विमेन, उनका पब्लिक लाइफ में ना तो ज्यादा पार्टिसिपेशन हो पाता है, ना उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो पाता है, और ना उनके काम की वैल्यू होती है। और डेफिनेटली ऐसा पहले बहुत ज्यादा होता था, अभी कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं होता है, पहले बहुत ज्यादा होता था। बल्कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है क्लास 9th में, आपने देखा कि फ्रांस आजाद हो गया, राजा को मार दिया, रानी को मार दिया, लेकिन औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। फ्रांस में भी औरतों को वोटिंग का अधिकार मिला 1946 में जाके, है ना। तो कितनी सारी सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटीज हुआ करती थी जहां पे औरतों ने वोटिंग का हक
मांगा है, उनको दिया नहीं गया था एज अ इक्वल सिटीजन, उनको मांगना पड़ा था। धीरे धीरे करके जेंडर की से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड इश्यूज को रेज करना पड़ा था। विमेन की लड़ाई बहुत पहले चल गई, फिर ट्रांसजेंडर सोसाइटी में उनकी मूवमेंट्स चली। अब जाके सोसाइटी पहले के मुकाबले थोड़ी बहुत इक्वल दिखती है, लेकिन आज भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो दुनिया भर की औरतों ने अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट में, अपनी अपनी पर्टिकुलर कंट्रीज में एजिटेशन किया, प्रोटेस्ट किया। और ये एक साल की बात नहीं है, 200 साल, 300 साल प्रोटेस्ट हुए, और इन प्रोटेस्ट को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तो इन एजिटेशंस को टुगेदर हम एक साथ अम्ब्रेला टर्म यूज करके हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स बोल देते हैं। इनफैक्ट जब आप कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे 12th के बाद ग्रेजुएशन में, तो आप पढ़ेंगे कि फेमिनिज्म में भी हम तीन वेव बोलते हैं, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो अलग अलग वेव्स के साथ दुनिया भर की औरतों ने अलग अलग चीज़ों की मांग रखी, बट इट ऑल स्टार्टेड विद पॉलिटिकल राइट्स, कि हमें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। और अलग अलग तरह फेमिनिस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। देर आर कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट, देर आर रेडिकल फेमिनिस्ट, देन देर आर आजकल नई लैंग्वेज बन गई है रियलिस्टिक फेमिनिस्ट, इंटरनेट ने बनाई है नए तरीका का फेमिनिज्म। अलग अलग तरीके के फेमिनिज्म होते हैं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट होते हैं, जो एक्सट्रीम इक्वालिटी में बिलोंग मतलब विश्वास रखते हैं, वो लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में औरतों के लिए इक्वल राइट्स की मांग नहीं करते हैं, वो लोग जो है पर्सनल लाइफ में भी और फैमिली की लाइफ में भी औरतों के लिए इक्वल राइट्स की मांग करते हैं। और बच्चा फेमिनिज्म, कई हमारे इंटरनेट कल्चर में हमें फेमिनिज्म को गाली की तरह इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। लोग इतनी गाली बना दी है, मतलब फेमिनिज्म एज अ वर्ड हैज बीन बास्टर्डाइज, उसको इतना गाली गलौज जैसा शब्द बना दिया है कि लोगों को अब अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हुए शर्म आती होती है। देर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ इवन माइंड जो हैं फेमिनिस्ट, लेकिन वो अपने आप को फेमिनिस्ट बोलना नहीं चाहते। पर फेमिनिज्म कोई गाली नहीं है, फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को आप फेमिनिस्ट बोल सकते हो, चाहे वो मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर है, डजंट मैटर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल अधिकारों में विश्वास रखते हैं सारे जेंडर्स के लिए। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म भी होता है, जो सिर्फ मेन और वुमेन की बात नहीं करता है, वो ट्रांसजेंडर्स की भी बात करता है। बट एनीवे, फेमिनिज्म कहता है कि हर जेंडर के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। वो औरतें जो मानती हैं कि औरतों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, औरतों के लिए ज़्यादा अधिकार होने चाहिए, औरतें सोसाइटी में सुपीरियर होनी चाहिए, उन औरतों को भी नहीं, मैं बोलूँगी उन ह्यूमन बीइंग्स को बोला जाता है मिसैंड्रिस्ट। बच्चा, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जो लोग चाहते हैं कि विमेन के पास ज्यादा पावर हो, उन्हें बोला जाता है मिसैंड्रिस्ट, क्योंकि वो चाहते हैं कि आदमियों के पास कम पावर हो। जो लोग चाहते हैं औरतों के पास कम पावर हो, आदमियों के पास ज्यादा पावर हो, उन्हें बोला जाता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। और जो लोग चाहते हैं कि दोनों ही कम्युनिटीज के पास इक्वल पावर हो, उन्हें सिंपल बोला जाता है फेमिनिस्ट। ठीक है, तो नाउ यू नो हु इज अ फेमिनिस्ट, एंड अब आपको इंटरनेट की सारी डिबेट जो आप देखते रहते हैं वो समझ आ जाएगी। समझ आया? आगे चले, वन सेकेंड, थैंक्स फॉर दिस चैप्टर, नेक्स्ट वी वांट लेक्चर ऑफ हिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर थ्री, यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू। एनीवे, द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो ऐसे ही हमें दे नहीं दिया गया था, वुमेन ऑफ द होल वर्ल्ड को ऐसे ही पॉलिटिकल राइट्स हैंड ओवर नहीं कर दिए गए थे, बल्कि इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। आज हमें डेफिनेटली अपने आसपास ज़्यादा साइंटिस्ट, फीमेल साइंटिस्ट, ज़्यादा फीमेल डॉक्टर, ज़्यादा फीमेल इंजीनियर, ज़्यादा फीमेल लॉयर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेमिनिज्म की आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है क्योंकि औरतों ने पहले अपने लिए पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर किए। भाई एक्चुअली लॉ कौन बनाता है? लॉ मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो जब फीमेल मिनिस्टर्स ही नहीं होंगे और फीमेल्स को वोटिंग का अधिकार ही नहीं होगा, तो फिर आप लॉज चेंज करके सोसाइटी को इक्वल कैसे बनाओगे ना? इसीलिए आज भी कई सारी औरतों का मानना है कि जब तक पॉलिटिक्स में बदलाव नहीं आएगा, तब तक जो फेमिनिज्म की लड़ाई है वो जारी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री ने इसे सॉल्व नहीं किया है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, वहां पे पब्लिक सोसाइटी में, वहां पे डेमोक्रेसी में औरतों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा जाता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं ना, जो अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं, हंगर से जूझ रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, ऐसे देशों में आज भी सोसाइटी ज्यादातर पेट्रियाकल है। पेट्रियाकल का मतलब होता है बच्चा पितृसत्ता वाली सोसाइटी। पेट्रियाकी मीन्स पितृसत्ता।
पितृसत्ता, पितृ मतलब फादर, पितृसत्ता का लिटरल मतलब होता है रूल बाय द फादर. तो एनी बडी हु कैन बिकम अ बेसिकली अ फादर, उनका रूल. तो बेसिकली रूल ऑफ द फादर बोलो, बाय द फादर बोलो, या रूल बाय द मेन बोलो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें माना जाता है कि मेन और वेमेन इक्वल नहीं होते हैं. मेन और वेमेन की डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और आदमियों के पास हमेशा ज्यादा पावर होनी चाहिए औरतों से. तो सोसाइटी बाय लार्ज, ग्लोबल सोसाइटी भी अगर आप देखोगे तो पेट्रियाकल है, और डेवलपिंग नेशंस में ज्यादा पेट्रियाकी देखने को मिलती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस किस तरीके का ये जेंडर डिविजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर की वजह से औरतों को किस किस तरीके का डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, ऑपरेशन झेलना पड़ता है. ये आपकी एनसीईआरटी बता रही है, और ये आपकी एनसीईआरटी डेटा के साथ बता रही है. तो चलिए जानते हैं. एजुकेशन, अगर एजुकेशन की बात करें तो जब हम सिर्फ लड़कियों के बीच में एजुकेशन देखते हैं तो सिर्फ 54% देखने को मिलता है. मतलब कि हर 100 लड़कियों में से सिर्फ 54 लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं. बट ऑन दी अदर हैंड, जब हम बॉयज़ की कम्युनिटी देखते हैं, इंडिया का डेटा है ये बाय द वे, जब हम बॉयज़ की कम्युनिटी देखते हैं तो हर 100 में से 76 लड़के होते हैं जो लिटरेट होते हैं, साक्षर होते हैं. तो ऑब्वियसली बड़ा गैप है. लड़कियों की कम्युनिटी में कम एजुकेशन देखने को मिल रही है. क्या ये इसलिए है कि लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती, या ये इसलिए है कि लड़कियों को पढ़ने दिया नहीं जाता? ये इसलिए है क्योंकि लड़कियों को पढ़ने दिया नहीं जाता. पहली बात तो लड़कियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता. अगर भेज दिया जाता है तो उन्हें हायर स्टडीज नहीं कराई जाती है. उन्हें लगता है कि अरे इनकी शादी ब्याह के लिए पैसे जमा कर लेते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई में लगा के क्या फायदा. या घर में एक बेटा होता है और बेटी होती है तो बेटी को सरकारी स्कूल में डलवा दिया जाता है, बेटे को जो है प्राइवेट स्कूल में डलवा दिया जाता है. या फिर बेटी को 10th के बाद बोलते हैं घर बैठ जाए, 8th के बाद बोलते हैं घर बैठ जाओ, हो गई जितनी पढ़ाई होनी थी, अभी घर का काम सीखो. इस तरीके का कल्चर आज भी होता है. ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा देखने को मिलता है लड़कियों में. ड्रॉप आउट का मतलब है कि स्कूल में दाखिला तो हुआ है लेकिन स्कूल से निकलवा लिया गया था, स्कूल में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करवाई गई थी. एक और चीज जो एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है वो है पीरियड्स. अक्सर हमारे रूरल इंडिया में देखा गया है कि जब पीरियड्स का टाइम आता है, मतलब जब प्यूबर्टी आती है लड़कियों को, तो या तो वो खुद से स्कूल से ड्रॉप आउट कर लेती हैं, बोलती हैं हमें स्कूल नहीं जाना क्योंकि स्कूल में अच्छी वॉशरूम फैसिलिटीज नहीं होती हैं. आज भी बहुत सारे गाँव के बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे वॉशरूम है ही नहीं, है ना, इंडिया में. तो या तो वॉशरूम फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है इसलिए वो घर पर बैठ जाती है, या फिर उनके पेरेंट्स को लगता है कि अब तो प्यूबर्टी आ गई, अब लड़की को स्कूल भेजना सही नहीं है. तो जो भी है, एजुकेशन में हमारे यहाँ गैप है. दूसरी प्रॉब्लम है कि औरतों के काम को अंडर वैल्यू किया जाता है. कितनी सारी औरतें हाई पेड हाई वैल्यू जॉब पे अभी दिखती हैं. आप बोल लोगे कि मैम ये वाली, मेरी तो मासी जी ये करती हैं, मेरी तो मम्मा ये करती हैं, मेरी तो दीदी ये करती हैं, वो तो इतने पैसे कमाती हैं, वो तो इतने पैसे कमाती हैं. बट पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि किसी भी सेक्टर की आप बात कर लो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, यूट्यूबर्स हो, लॉयर्स हो, कोई भी हो, नो मैटर विच प्रोफेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, सेम काम के लिए आदमियों को ज्यादा पैसे मिलते हैं और सेम काम के लिए औरतों को कम पैसे मिलते हैं. ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं बहुत प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ लेकिन फिर भी ये हर जगह देखा जाता है. और पता है ऑन एन एवरेज एक औरत हमेशा उनके मेल काउंटर पार्ट से, एक औरत एक एवरेज इंडियन वुमेन एक एवरेज इंडियन मैन से हमेशा हर रोज 1 घंटा ज्यादा काम करती है. तो बाहर अगर जॉब मिल भी जाती है तो भी घर आके घर का काम करना पड़ता है, या आके घर का काम सुपरवाइज करवाना पड़ता है. सुपरवाइज कराने में क्या मेंटल बैंडविड्थ नहीं जाती? ऑब्वियसली जाती है. और वो किसका काम है? औरतों का काम है, ऐसा हम सोचते हैं. तो ये दूसरी प्रॉब्लम है. तीसरी प्रॉब्लम है लो वेजेस. इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट हमारे पास लॉ बना हुआ है, हमारा संविधान कहता है, 1976 का ये लॉ कहता है कि अगर सेम काम किया जा रहा है तो सेम तनख्वाह मिलनी चाहिए. लेकिन प्रैक्टिस कहीं नहीं होता. एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की भी सैलरीज निकाल लोगे ना तो आपको भेदभाव दिख जाएगा. तो ये तो हम इतने ज्यादा अमीर लोग, इतने ज्यादा प्रिविलेज लोगों की बात कर रहे हैं. तो रेगुलर सोसाइटी में तो ऑब्वियसली सैलरीज में डिफरेंस होता है, प्रमोशंस में डिफरेंस होता है. औरत जितनी भी मेहनत कर ले दे आर वेरी लेस लाइकली. ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस हैं, पर हम जनरल बात कर रहे हैं, हम जनरल मोस्ट केसेस की बात कर रहे हैं, हम एवरेज आउट कर रहे हैं. तो जब हम जनरल बात करते हैं तो देर इज अ गैप. नाउ फीमेल फीटिसाइड, इसके लिए भी हमारे भारत में संविधान में लॉ बना हुआ है. बेबी के बर्थ से पहले आप बेबी का सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज इलीगल. बट फिर भी हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों, इनफैक्ट बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े गाँव में भी होता है कि बर्थ से पहले, बच्चे के जन्म से पहले बच्चे का सेक्स पता लगाया जाता है. और अगर फीटस यानी कि बेबी यानी कि एम्ब्रियो अगर फीमेल होता है तो उसे अबॉर्ट करने के हर हथकंडे लगाए जाते हैं, देसी हथकंडे, विदेशी हथकंडे, घर में बाहर डॉक्टर के पास ले जाके. बट देर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया हु डोंट वॉन्ट अ गर्ल चाइल्ड.
और इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि बेस लेवल पे ही प्रॉब्लम है ना, हमें लड़की एज अ बच्चा चाहिए ही नहीं, तो जब बेस लेवल पे प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली देश में सेक्स रेशियो जो है ये दर्शाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी फीमेल चिल्ड्रन को एक्सेप्ट नहीं करती है। देर आर पार्ट्स इन इंडिया जहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी ठीक ठाक दिखता है। सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चा? फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो मतलब अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं तो उसमें से कितनी लड़कियां हैं लड़कों के मुकाबले, वो दर्शाता है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो कई जगह है जहाँ पे सेक्स रेशियो ठीक ठाक भी है, वैसे तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन कई जगह है जहाँ पे 951 भी है, लेकिन कई ऐसी भी जगह है भारत में जहाँ 850 से भी कम सेक्स रेशियो है, और कई ऐसी जगह भी है जहाँ 800 से भी, कई ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ 800 से भी कम चला जाता है सेक्स रेशियो। तो कल्चर कल्चर पर डिपेंड करता है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है। इंडिया आप जानते हो इट्स एन एमलगेमेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, तो अलग अलग स्टेट का सेक्स रेशियो अलग अलग चीज़ें दर्शाता है, बट बाय लार्ज अगर आप इंडिया का सेक्स रेशियो देखोगे तो डेफिनेटली ये समझ आता है कि हमें गर्ल चाइल्ड चाहिए ही नहीं। इसके अलावा भी, मतलब इतना सब डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी इक्वल पे नहीं मिल रही है, फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, एजुकेशन में गैप है, पॉलिटिकल राइट्स में गैप था कई सारी सदियों तक, इसके बाद भी आए दिन हमें रेप की खबरें, हरासमेंट की खबरें, एक्सप्लॉयटेशन की खबरें, डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें आए दिन न्यूज़ में पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली औरतें ज्यादा अनसेफ होती हैं गांव के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव में अनसेफ नहीं होती हैं, पता है आप कितना सारा ग्लोबल डेटा सजेस्ट करता है कि वन ऑफ द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस फॉर अ वुमेन इज देयर ओन हाउस होल्ड, उनका खुद का घर उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट अनसेफेस्ट प्लेस है दुनिया की औरतों के लिए, ये डेटा बताता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक अब्यूज झेलना पड़ता है, घर में मारा पीटी होती है, घर में कहा सुनी होती है, इमोशनल अब्यूज होता है, मेंटल अब्यूज होता है, वायलेंस होता है, या कुछ नहीं होता है तो सिंपल डिस्क्रिमिनेशन होता है घर के लड़कों और घर की लड़कियों में। दिस इज ऑन द टॉप ऑफ द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। तो अब आपका क्वेश्चन होगा मैम इसके बारे में कर क्या सकते हैं, तो देखते हैं पहले कि अभी तक क्या किया है और आगे क्या कर सकते हैं। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमें सुधारना पड़ेगा। इश्यूज रिलेटेड टू विमेन आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। तो इतना समझ आया है कि दुनिया की डेमोक्रेसी देख के कि जो औरतों से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो डेमोक्रेसी में उठते ही नहीं है, उठेंगे तो चर्चा होगी ना उस पर, उठेंगे तो उस पर लॉस बनेंगे, पर वो डेमोक्रेसी में उठते ही नहीं है। इसीलिए कई सारे रेडिकल फेमिनिस्ट या इवन कंजर्वेटिव फेमिनिस्ट का ये मानना है कि जब तक औरतें पॉलिटिक्स में इक्वली कंट्रोल में नहीं आएंगी तब तक उनकी प्रॉब्लम्स को एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिलेगी। भाई जब लॉस बनाने वाली औरतें ही नहीं है, वो है ही आदमी, तो वो औरतों के लिए लॉस नहीं बनाते हैं फिर, उनको तो चाहिए ना। पेट्रियार्की से बेनिफिट किसका हो रहा है? पेट्रियार्की से बेनिफिट हो रहा है आदमियों का, तो वो नहीं बनाते हैं औरतों के लिए लॉस। इसीलिए फेमिनिस्ट का मानना है कि विमेन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वल लेवल पे मिलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में औरतों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वल लेवल पे नहीं मिलता है। द क्वेश्चन इज अ ट्रिकी वन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लड़का और लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगेन जब हम डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहानी कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा टच 14.36, 2019 में 14.36%। अच्छा बताओ टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है देश में? 543 आई गेस टोटल हो सकती है, 545 आई थिंक, करंटली 543 है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से कितने एमपीज इलेक्ट होंगे, कितने लोकसभा मेंबर इलेक्ट होंगे? 543। उस 543 अगर 100% माने उसको तो उसमें से सिर्फ 14.3% जो है विमेन है। और कई सारी स्टेट की विधानसभा का अगर देखें हाल, तो कई कई तो हमारे यहाँ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे औरतों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। राइट, इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ द नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर एवरेज वर्ल्ड की बात करें तो एवरेज वर्ल्ड पार्लियामेंट्स में, एवरेज वर्ल्ड संसद में, सारी दुनिया की डेमोक्रेसीज को अगर एक साथ कलेक्ट करके देखें तो एवरेज बोलता है कि 24% जो है औरतें होती हैं। 24% है, 50 और 24 में बहुत डिफरेंस है। राइट, तो 24% ही सिर्फ औरतें होती हैं पार्लियामेंट में, लेकिन इंडिया में वो नंबर और भी ज्यादा है। राइट, इंडिया में वो नंबर और भी कम है, मतलब औरतों का रिप्रेजेंटेशन और भी कम है, तो 50% होना चाहिए, लेकिन हम कहाँ अटके हैं। अभी 2019 में ये पॉसिबल हो पाया है कि 14.3% पे आए हैं, वरना इससे भी कम रहते थे। चलिए, इट इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग अफ्रीकन कंट्रीज से भी हम पीछे हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्री से भी हम पीछे हैं। ये हमने डेटा निकाला है, देखो ईसीआई का डेटा है, ईसीआई का डेटा है, और इसमें आपको पता चल रहा है कि देश की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से बच्चा 264 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं इंडिया में जहां पे आज तक कोई वुमन
इलेक्ट नहीं हो पाई है। डज दिस डेटा से टू यू समथिंग? इट इज स्क्रीमिंग टू मी, 264 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव नेवर इलेक्टेड अ वुमेन। 279 में सिर्फ एटलीस्ट एक बार एक औरत एमपी बनी है, और करंटली हमारे पास 78 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं जो औरतें हैं। टोटल अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर लो, तो आज तक 1962 से लेके 2019 तक 617 औरतें ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हैं। तो दिस डेटा शोज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द गवर्नमेंट। और अगर बन भी जाती हैं बाई चांस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर बन भी गई, तो पूरा कैबिनेट क्या होता है उनका? विधानसभा का कैबिनेट या लोकसभा का, मतलब जो भी है, कैबिनेट क्या होता है उनका? कैबिनेट होता है उनका मेल डोमिनेटिंग। तो उसका फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मजोरिटी से लॉज बनाए जाते हैं ना। तो जब वो मजोरिटी ही मेल है, तो फिर वो लॉज भी मेल सेंट्रिक ही बनते हैं। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम लीगली बाइंड कर सकते हैं कि औरतों का एक फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए इलेक्टेड बॉडीज में, और हमने ये किया भी है। आप जानते हो कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, देर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, देर इज स्टेट गवर्नमेंट एंड देर इज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भी दो तरीके की होती है, अर्बन में अलग होती है, रूरल में अलग होती है। तो हमने लोकल गवर्नमेंट में तो एक तिहाई, 1/3 सीट्स जो है औरतों के लिए रिजर्व कर दी है, लेकिन ना तो स्टेट गवर्नमेंट में की है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट में की है, राइट? तो इस रिजर्वेशन की वजह से, जो हम सिर्फ लोकल लेवल पे लाए हैं, इसकी वजह से 10 लाख से ऊपर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमें अपनी लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, देखने को मिलते हैं। लेकिन कितने सालों से, एक डेकेड, यानी कि 10 सालों से ऊपर हो गए, 10 या 12 सालों से ऊपर हो गए, और अभी तक सरकारें आई, सरकारें बदल गई, लेकिन ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, जो ये मांग करता है कि सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट में भी औरतों का रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है। और ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया है बच्चा? ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया है? इस डायग्राम को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये कार्टून क्या बता रहा है? ये कार्टून बता रहा है कि यहाँ पे ये जो वुमेन है, वो वुमेन रिजर्वेशन बिल का एक तरीके से प्ले कार्ड लेके, एक डंडे पे बोर्ड लगा के, प्ले कार्ड बोलते हैं, उस प्ले कार्ड को लेके खड़ी हुई हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जरा पास कर दीजिए, और पार्लियामेंट से झांक झांक के मेल मिनिस्टर्स देख रहे हैं, जो उन्हें बोल रहे हैं कि डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालते हैं। और नीचे आप जो पार्लियामेंट के गेट देख रहे हो, गेट 1, गेट 7, गेट 9, गेट 10, वहां पे सारे आदमियों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। तो ये कार्टून ये दर्शा रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज नॉट बीन पास्ड, बिकॉज पास करने वाली जो जनता है वो मेजोरिटी में मेल है। तो प्रॉब्लम बेस लेवल पे है, राइट? तो जेंडर डिवीजन हमने पढ़ा, हमने देखा कि कैसे सोशल डिवीजन है, एक जेंडर डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स, और कैसे उसका पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होना जरूरी है, तभी डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी कि देश की औरतों को, या ग्लोबल और ग्लोबल लेवल पे औरतों को उनका हक मिल पाएगा। जब तक वो पॉलिटिक्स में हक नहीं अपना पाएंगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक सोसाइटी में भी नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बच्चा रिलीजन। रिलीजन में हम पढ़ेंगे कम्युनलिज्म क्या होता है और पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल है। याद रखना, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म दो अलग चीजें हैं। मैं जब ये पढ़ाती थी पहले, जब ये चैप्टर सिलेबस में था, तो बच्चे अक्सर टेस्ट में लिख देते थे कम्युनिज्म। भाई, कम्युनिज्म इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरी है, कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स से रिलेटेड थ्योरी है, तो इसको अलग रखिएगा। कम्युनिज्म कहता है सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, कॉम्युनलिज्म कुछ अलग ही कहानी बोलता है। और अगर अगर सिंपल भाषा में बताऊं, तो कॉम्युनिज्म पॉजिटिव चेंज लाने की बात करता है, कॉम्युनलिज्म पॉजिटिव चेंज लाने की बात नहीं करता। अब नेगेटिव चेंज की बात करता है कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, ये जो डिवीजन है, रिलीजन के बेस का डिवीजन है, ये यूनिवर्सल नहीं है। जैसे जेंडर तो पूरी दुनिया में हर जगह देखने को मिलेगा ना, लेकिन दुनिया में ऐसी भी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे रिलीजन जो है फॉलो नहीं होता है। ट्रेडिशनल रिलीजन जो हम जानते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, या फिर हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस तरीके के रिलीजन फॉलो नहीं होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी देश हैं, इंडिया जैसे, जहाँ पे रिलीजन के नाम पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग नंबर में रहते हैं, राइट? तो हमने एक चैप्टर जो आपकी क्लास से ओमिट कर दिया गया है सिलेबस में, उसमें नॉर्दर्न आइलैंड की स्टोरी पढ़ी थी कि रिलीजन के नाम पे कैसे दंगे हो सकते हैं। जेंडर डिफरेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिलीजन डिफरेंसेस को पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हम इस टॉपिक में
पढ़ने वाले हैं। लेट अस कंसिडर फ्यू इंस्टेंसेस दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। पहले ये जानते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में है भी कोई रिलेशनशिप, या हम एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो देखो है, तो गांधी जी भी बोल के गए थे कि रिलीजन को पॉलिटिक्स से आप अलग नहीं रख सकते। उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि रिलीजन के नाम पर पॉलिटिक्स करो, बल्कि उनका कहने का मतलब ये था कि रिलीजन में, हर एक रिलीजन में जो हम अच्छी बातें सीखते हैं, जो हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स सीखते हैं, जो हम सुंदर सुंदर मॉरल वैल्यूज सीखते हैं, उनको हम अपनी पॉलिटिक्स को गाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, रिलीजन में जो अच्छी बातें सीखी हैं वो तो जिंदगी के हर स्फीयर में लगानी चाहिए, तो पॉलिटिक्स को अलग क्यों रखें? ये गांधी जी का मानना था। लेकिन हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जब देश में बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट करते हैं और डेटा देखते हैं और डेटा प्रेजेंट करते हैं, तो ये डेटा बोलता है, ये कहीं कहीं सुनी सुनी बातें नहीं है, ये डेटा बोलता है कि जब भी देश में रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं, रिलीजन दंगों को बोला जाता है कॉम्युनल दंगे, कॉम्युनल राइट्स, तो जब भी देश में रिलीजन के नाम पे दंगे हुए हैं, तो डेफिनेटली चाहे मेजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका रिलीजन कंट्री में ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, या माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हो, यानी कि आपका रिलीजन कंट्री में कम लोग फॉलो करते हैं, डजंट मैटर, मृत्यु दोनों साइड होती है, लॉस दोनों साइड होता है, लेकिन डेटा बोलता है और ह्यूमन राइट ग्रुप्स बोलते हैं कि ज्यादातर कॉम्युनल राइट्स में मोस्टली जो विक्टिम होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं। और इसी बात की वजह से हमारे देश में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट सोशल वर्कर्स मांग करते रहते हैं सरकार से कि रिलीजियस माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन के लिए थोड़े से और अच्छे बेहतर लॉज बनाए जाने चाहिए, राइट? देन डिमांड फॉर मोर इक्विटेबल लॉज। अब नो मैटर किस रिलीजन की बात हुई, किसी भी रिलीजन पे पिन पॉइंट मत करिए, किसी भी रिलीजन को उठा लीजिए और किसी भी रिलीजन पे उंगली मत उठाइए, लेकिन हर रिलीजन पे जब हम उनके फैमिली लॉज देखते हैं, देखो रिलीजन के फैमिली लॉज अलग अलग होते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक है? तो जब हर रिलीजन के आप फैमिली लॉज देखते हो, तो आप देखते हो कि हर रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के अगेंस्ट। तो हम किसी एक रिलीजन को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, एवरी रिलीजन इज इन अ वे डिस्क्रिमिनेटरी टू द विमेन ऑफ दैट रिलीजन। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ऐसे लॉज में अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना है ताकि रिलीजन के अंदर दो जेंडर के बीच में इक्वालिटी आ सके, तो वो अलाउड होना चाहिए, राइट? फैमिली लॉज, दोज लॉज, फैमिली लॉज क्या होते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज लॉज दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड मैटर्स सच एज मैरिज। आप जानते हो हर रिलीजन में शादी का तरीका अलग होता है, डिवोर्स का तरीका अलग होता है, अडॉप्शन का तरीका अलग होता है। रिलीजन मतलब लॉज तो अलग होते हैं जो देश की डेमोक्रेसी के होते हैं, लेकिन रिलीजन के अंदर भी जो बातें बोली गई हैं वो इन सारे टॉपिक्स पे अलग अलग बोली गई हैं। इसीलिए हर रिलीजन के लोगों के अलग अलग फैमिली लॉज हैं। हिंदू सक्सेशन लॉज अलग हैं, बाकी रिलीजन के अलग हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो उसे फैमिली लॉज बोलते हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं उसे फैमिली लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल द इंस्टेंसेज इन्वॉल्व्स रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। हमने तीन इंस्टेंसेज देखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाला पॉइंट पढ़ा, गांधी जी वाला पॉइंट पढ़ा, फैमिली लॉज वाला डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट पढ़ा। हमने इन तीनों पॉइंट्स से ये तो समझ आया कि यार रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, और रिलीजन को पॉलिटिक्स में शायद एक रोल प्ले भी करना चाहिए। और हम ये भी मानते हैं कि लोगों को अपने रिलीजन को पॉलिटिक्स में अगर एक्सप्रेस करना है तो उन्हें छूट होनी चाहिए। अगर लोगों को अपने पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की डिमांड, इंटरेस्ट या नीड्स के बारे में सोचना है पॉलिटिकल लेवल पे, तो ठीक है, सोचना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। इनफैक्ट हम ये भी मानते हैं कि जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जो मिनिस्टर्स हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि किसी रिलीजन में कोई अगर गलत चीज़ हो रही है, किसी रिलीजन में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई ऑप्रेशन हो रहा है, संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अगर उसके बीच में थोड़ी सी हेर फदर की जा रही है तो वो भी ठीक है, और ऐसा कई बार किया भी गया है। जैसे हिंदू रिलीजन की अगर बात करें तो अनटचेबिलिटी हिंदू रिलीजन का पार्ट थी कि उसमें छुआछूत का भेदभाव होता था, अपर कास्ट ग्रुप लोअर कास्ट ग्रुप को अछूत माना करते थे, लेकिन हमने उसके ऊपर लॉ बनाया, हमने लॉ बनाया, अब कहने के लिए रिलीजन में इंटरफेरेंस है, बट वाई हैव वी डन इट, बिकॉज हमारा संविधान कहता है कि हर कोई इक्वल होता है। तो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में आप रिलीजन के बीच में डेमोक्रेटिकली एंटर कर सकते हैं। तो बोलोगे मैम प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम आगे आएगी। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज लॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। तब तक सही है जब तक आप रिलीजन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, आप जबरदस्ती एक रिलीजन के अंदर अगर इंटरफेयर कर रहे हो, बाकी रिलीजन की खामियों को छुपा रहे हो, तो गलत है। लेकिन अगर आप सही में, सही मायने में रिलीजन के अंदर हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना चाहते हो, तो वो ठीक है। प्रॉब्लम आती है कॉमनलिज्म में। कॉमनलिज्म रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच की वो खिचड़ी है जिसको होना ही नहीं चाहिए।
ये मैं सिंपल भाषा में बता रही हूँ आपको, कम्युनलिज्म क्या होता है समझते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब रिलीजन को नेशन का बेसिस समझा जाता है। नेशन का बेसिस संविधान होता है, नेशन का बेसिस कोई कास्ट, कोई जेंडर, कोई रिलीजन नहीं हो सकता। रिलीजन सोसाइटी का एक अंग होता है, रिलीजन पूरी सोसाइटी नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसी भावनाएं उत्पन्न की जाती हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन को इस्तेमाल करके सोसाइटी में अलगाव की भावना लाई जाती है, पार्टीशनशिप मतलब सोसाइटी के टुकड़े करने की कोशिश की जाती है, जब एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के खिलाफ खड़ा किया जाता है, लड़वाया जाता है आपस में, जब ये भावना क्रिएट की जाती है पॉलिटिकल लेवल पे कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से बड़ा है या एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से अच्छा है, तब प्रॉब्लम आती है, उसे कॉम्युनलिज्म बोलते हैं। जब ऐसा बोला जाता है कि एक रिलीजन की डिमांड हमेशा दूसरे रिलीजन के खिलाफ ही होगी, तब प्रॉब्लम आती है। जब गवर्नमेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक रिलीजन का डोमिनेशन स्थापित करना चाहती है, वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, तब कॉम्युनल पॉलिटिक्स बोला जाता है उसे। सिर्फ रिलीजन और पॉलिटिक्स के कम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजन और पॉलिटिक्स के गलत कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनिज्म बोलता है कि कम्युनिज्म नहीं, कॉम्युनलिज्म बोलता है बेसिकली कि सोशल कम्युनिटी का एक ही आधार है, वो है रिलीजन। ऐसा तो नहीं है, बाकी चीजें भी हैं, बाकी सोशल डिफरेंसेस भी हैं। कॉम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग अलॉन्ग द फॉलोइंग लाइक्स, द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर। आप बोलोगे मैम कॉम्युनलिस्ट लोग हमारे जैसे हमसे कैसे अलग सोचते हैं? जो लोग कॉम्युनलिज्म में विश्वास रखते हैं बच्चा, उनका ये मानना होता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जो भी लोग हैं, जैसे मान लो एक्स वाई जेड कोई भी रिलीजन आप उठा लो, उसके अंदर जितने भी उस रिलीजन के फॉलोअर्स हैं, जो भी लोग उस रिलीजन में पैदा हुए हैं, उन सबका एक ही लाइफ स्टाइल होगा। ऐसा जरूरी तो नहीं, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन में पैदा हुई हूँ इसका मतलब ये तो नहीं मैं वो सारी चीज़ें करूंगी जो जो बोला जाता है मेरे धर्म में करने के लिए। ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता, हो सकता है ना कि एक रिलीजन के अंदर भी लोग डिफरेंट हो, लेकिन कम्युनलिज्म इसे नहीं मानता। कम्युनलिज्म ये भी बोलता है कि फंडामेंटल इंटरेस्ट जो होते हैं एक एक रिलीजन के लोगों के, वो सेम होते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करूं, मेरे को तो एजुकेशन पसंद है अपने देश के लिए, हो सकता है कि मेरे सेम रिलीजन वाले लोगों को हेल्थ पसंद हो सकता है किसी और दोस्त जो मेरे सेम ही रिलीजन का है उसे फिनेंस पसंद हो अपने देश में, देश की उन्नति के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए हो देश की उन्नति के लिए। सबके आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं, बट अगैन कॉम्युनलिज्म नहीं मानता। एनी डिफरेंस दैट मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। कम्युनलिज्म का कहना है कि अगर आपके रिलीजन के अंदर लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट और अलग अलग जरूरतें हैं तो वो बेकार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। आधार तो सिर्फ जीवन का क्या है, रिलीजन, राइट। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन के नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। बहुत खतरनाक बात, कॉम्युनलिज्म या कम्युनलिज्म फॉलो करने वाले लोग ये मानते हैं कि अगर आप अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप सेम कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो सकते। बेसिकली अगर आप अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप एक देश में इक्वल लेवल पे सिटीजन नहीं हो सकते। दोबारा सुनो, कॉम्युनलिज्म कहता है अगर आप अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप सेम लेवल पे एक देश के सिटीजन्स नहीं हो सकते। कितनी गलत बात है, हमेशा ऊंच नीच का भेदभाव होगा। क्या ऐसा होना चाहिए डेमोक्रेसी में? नहीं, डेमोक्रेसी तो बोलती है कि पॉलिटिकली इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कॉमनलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमटीरियल। और बाई चांस जो आपके रिलीजन के लोगों की जरूरत है वो किसी और के रिलीजन के लोगों की जरूरत बन गई तो ये बेकार है, नहीं ये तो झूठ है, ये तो इमटीरियल है, इसे मानो ही मत, इसे सुनो ही मत, इसे नकार दो, ऐसा बोलता है कम्युनलिज्म। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट, बोलता है कि एक रिलीजन के अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो हमेशा दूसरे रिलीजन से अच्छे या बुरे होते हैं, तो इक्वालिटी तो कहीं है ही नहीं। तो कम्युनलिज्म डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी इक्वालिटी इक्वालिटी चिल्लाती रहती है, कम्युनलिज्म इन इक्वालिटी चिल्लाता रहता है, राइट। इन दिस एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन के नॉट लिव एज इक्वल। कम्युनलिज्म कहता है कि एक धर्म को हमेशा ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा दूसरे धर्म से, विच इज फंडामेंटली फ्लॉड, विच डजंट मेक एनी सेंस। एक रिलीजन के अंदर सारे लोगों की सेम जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अलग अलग रिलीजन के लोगों की सेम जरूरत हो सकती है। भाई एक शहर में अगर सड़क नहीं है तो क्या मैटर करता है कि वहां पे कौन रिलीजन के लोग रहते हैं, सबको सड़क ही तो चाहिए होगी, तो कॉम्युनलिज्म तो यहाँ नहीं आया।
Everyone has several other roles, positions, and identities. There are many voices inside every community. All these voices have right to be heard. एक ही रिलीजन के अंदर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो भगवान में मानते ही नहीं है, जो गॉड में मानते ही नहीं है, जो एथीस्ट हैं. तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी आवाज़ों को दबा दो. नहीं, डेमोक्रेसी कहती है कि हर एक आवाज़, हर एक ओपिनियन, हर एक एस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और कॉमनलिज्म उसे झुकला देता है. Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community. इसीलिए अगर religious नाम पे अगर आप ऐसी stereotyping करोगे कि हमारे धर्म के लोग तो ये चाहते हैं, हमारे धर्म के लोग तो ये चाहते हैं, तो फिर आप जो लोगों के अलग अलग opinions हैं और अलग अलग धारणाएं हैं, आप उन्हें दबा रहे हो, आप डेमोक्रेसी की स्पिरिट को हर्ट कर रहे हो. अब बात करते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में कॉमनलिज्म देखा गया है, कई बार देखा गया है, हर रोज देखा जाता है. कैसे देखा जाता है वो समझते हैं. मोस्ट कॉमन तरीका है हमारे एवरीडे बिलीफ. एवरीडे बिलीफ, पता है, हम स्टीरियोटाइप करते हैं. स्टीरियोटाइप करने का मतलब है कि हम लोगों को कंपार्टमेंट्स में डालते हैं. हिटलर को याद करो, क्लास 9th में नाजिज्म पढ़ाया था. क्या सिखाता था वो जर्मनी के लोगों को? वो सिखाता था कि ज्यू लोगों की नाक लंबी होती है, पेट बड़ा होता है, हाइट छोटी होती है, बहुत सारा पैसा होता है. क्या सारे ज्यू लोग ऐसे ही दिखते थे? द आंसर टू दैट इज नो. तो डेफिनेटली कम्युनलिज्म का भी एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है. हमारी हर रोज की जिंदगी में हमें कई लोग टकराते हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को स्टीरियोटाइप करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार, इस रिलीजन के लोग तो ना वेजिटेरियन ही होते हैं, या इस रिलीजन के लोग तो ना नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं, या इस रिलीजन के लोग तो ना इतनी बार दिन में पूजा करते हैं, इस रिलीजन के लोग तो पूजा ही नहीं करते. इस अलग अलग तरीके से स्टीरियोटाइप करते हैं. एक रिलीजन में एक इंसान नहीं होता है, एक रिलीजन में बहुत सारे लोग होते हैं और लोग अलग अलग होते हैं. इस बात को हम मानते नहीं हैं. हम लोगों को कंपार्टमेंटलाइज करके एक ही लपेटे में लपेट के दर्शाते हैं. और ये इतना कॉमन है बच्चा, आज मतलब एक दिन में एक बार अगर आप ध्यान से गली में निकल जाओगे ना अपनी, आप सुन लोगे एक ना एक ऐसी बात. तो दिस इज सो कॉमन. स्टीरियोटाइपिंग पीपल बिलोंगिंग टू अ सर्टेन रिलीजन इज सो कॉमन दैट वी डोंट इवन रियलाइज इट. ये तो सबसे कॉमन तरीका है. दूसरा तरीका है पॉलिटिकल डोमिनेशन. अ कॉम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक अ मेजोरिटेरियन डोमिनेशन. चलो पावर शेयरिंग पे जाते हैं. पावर शेयरिंग पढ़ा था हमने. हमने क्या पढ़ा था? श्रीलंका का केस पढ़ा था. सिविल वॉर हो गई थी. क्या प्रॉब्लम थी वहां पे? वहां पे प्रॉब्लम थी कि दो भाषाएं थी, सिन्हाला और तमिल. सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट रिलीजन के थे और तमिल बोलने वाले लोग या तो हिंदुइज्म फॉलो करते थे या इस्लाम फॉलो करते थे. यही प्रॉब्लम थी? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो डाइवर्सिटी थी. प्रॉब्लम ये आई जब सिन्हाला बोलने वाले लोगों ने अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का संविधान में चेंज कर दिया, लेकिन बाकी रिलीजन्स को छोड़ दिया. तो अक्सर ये होता है कि कॉमनल लोग या कॉमनलिज्म में बिलीव रखने वाले लोग ये मानने लगते हैं कि उनका रिलीजन बाकी सारे रिलीजन से अच्छा है. और बाई चांस अगर वो लोग मजॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, मतलब ऐसे रिलीजन को बिलोंग करते हैं जो जो कंट्री में ज्यादा नंबर में है, तो फिर कंट्री में उस रिलीजन की हेजेमोनी हो जाती है, डोमिनेशन हो जाती है. जैसे श्रीलंका में हुआ, बुद्धिस्ट लोग मानते थे उनका ही रिलीजन अच्छा है. अब बुद्धिस्ट लोगों की संख्या ज्यादा थी तो क्या हो गया? बुद्धिस्ट लोगों ने अपना डोमिनेशन स्थापित कर लिया. तब माइनॉरिटी कम्युनिटीज एकदम साइडलाइन हो जाती हैं और तब माइनॉरिटी कम्युनिटीज बोलने लगती है कि हमें सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट दे दो. बोला था ना श्रीलंका ने भी तमिल लोगों ने कि यार हमें सेपरेट दे दो ना, सेपरेट तमिल ईलम दे दो. क्यों बोला था? क्योंकि उनको अलग फील हो रहा था अपने देश में. तो अक्सर होता है कि मेजॉरिटी रिलीजन जब अपनी डोमिनेशन स्थापित करता है तो माइनॉरिटी रिलीजन बोलने लगता है कि हमें देश से अलग ही कर दो ना, अगर तुम्हें ये सब करना है तो. तीसरा रीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द रिलीजियस लाइन. हमारे संविधान में लिखा हुआ है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए. सब लोग मांगते हैं, कास्ट के मुद्दों को इस्तेमाल करके इलेक्शन लड़े जाते हैं, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, भरी सभा में रिलीजन के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स होती है. तो जितना मर्जी लोगों को चुप करा लो, लेकिन हमारे देश के लीडर हमेशा से और आज भी होता है कि रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन के नाम पे अपील करते हैं, लोगों के दिलों में डर फैलाते हैं कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका रिलीजन पीछे छूट जाएगा. रिलीजन तो दिल में बसता है ना, रिलीजन तो विश्वास में, आस्था में बसता है, वो कैसे पीछे छूट जाएगा? लेकिन ऐसी पॉलिटिक्स होती है. इमोशनल अपील की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, रिलीजन के नाम पे सब कुछ चलता है. इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स ऑन वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर.
जनता जानती है, पॉलिटिक्स जानती है, पॉलिटिशियंस जानते हैं कि लोगों को अपना धर्म बहुत प्यारा होता है, चाहे वो जिस भी धर्म को बिलोंग करें। इसीलिए वो धर्म का इस्तेमाल करके अपनी जेबों में वोट भरने की कोशिश करते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांग के, राइट? मोस्ट अगली फॉर्म। अरे एक तो जीता जागता एग्जाम्पल जो है, जो हम कभी भूल नहीं सकते, वो है हमारा कॉम्यूनल राइट। जब देश का पार्टीशन हुआ था, देश का पार्टीशन किस लाइंस पे हुआ था? रिलीजन के नाम पे तो हुआ था, इट वाज अ कॉम्यूनल राइट, हमारा देश का पार्टीशन। उस वो इतना बड़ा कॉम्यूनल राइट बन गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों साइड मिला के 10 लाख लोग मारे गए थे, कम से कम। वो भी ये तो रिकॉर्डेड डेटा है, 10 लाख लोग मारे गए थे। तो ऑल ऑफ दैट हैपेंड बिकॉज रिलीजन और पॉलिटिक्स इतनी मिक्स हो गई कि उससे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जब हम संविधान बना रहे थे, सेकुलर स्टेट पे आ रहे हैं, जब हम संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान बनाने वाले लोगों को पता था, ऑब्वियसली पता था ना, 1947 में तो पार्टीशन हुआ था, 1947 के बाद ही तो बना है ना संविधान। तो हमारे संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पता था कि देखो ये प्रॉब्लम तो देश में रहेगी ही रहेगी, रिलीजन इज गोइंग टू बी, कॉम्युनलिज्म इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी। इसीलिए उन्होंने जब संविधान बनाया तो इंडिया को बोला सेकुलर स्टेट, कि हम हैं सेकुलर स्टेट। ये सेकुलर स्टेट भी आजकल इंटरनेट पे बहुत फॉलो करता है, जो लोग अपने आप को सेकुलर बोलते हैं उन्हें भी गाली पड़ती है, लेकिन हमारा तो संविधान ही सेकुलर है, हमारा तो देश ही सेकुलर है, हमारा तो प्रियम्बल सेकुलर है। सेकुलर होता क्या है? सेकुलर का मतलब होता है सारे धर्म एक समान। सेकुलर का मतलब होता है कि आपके देश का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। जैसे श्रीलंका ने बुद्धिज्म को स्टेटस दे दिया था ऑफिशियल रिलीजन का, इस्लाम का ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन का स्टेटस मिला हुआ है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में, ऐसा स्पेशल स्टेटस इंडिया में किसी भी धर्म को एटलीस्ट हमारे संविधान में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। सारे धर्म संविधान लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे इक्वल है। दूसरा पॉइंट, सेकुलर स्टेट का एक और मतलब है, उसका ये मतलब है कि आपके पास पूरी छूट है, आप कौन से रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हो। एक रिलीजन को तो आपको पैदा होते ही मिल जाता है, आप उस रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास छूट है। आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, आपके पास छूट है। आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हो उसे प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास छूट है। तो वी हैव द राइट, द फ्रीडम टू प्रोफेस, समझें, प्रैक्टिस करें, फैलाएं जो भी रिलीजन हम चाहते हैं उसे, ये हमारा संविधान कहता है। तीसरा पॉइंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी पब्लिक गवर्नमेंट सर्विसेज में, एग्जाम में, किसी भी लेवल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी में रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हमारा संविधान ये भी कहता है कि इंडिया डेफिनेटली सेकुलर है, लेकिन अगर किसी धर्म के अंदर धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा तो इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे एड्रेस कर सकता है, उसमें इंटरवीन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, अनटचेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी बैन हुई थी, वो एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन फिर भी उसमें इंटरफेयर किया गया था बिकॉज इट वॉज अ पॉजिटिव चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि हम एज अ कंट्री क्या हैं, सेकुलर हैं। हमारे देश की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है पूरे देश की, वो सेकुलर है। और ये सेकुलरिज्म, ये धर्म निरपेक्षता हमारे देश का आधार है। तो कोई अगर ये सोचे ना कि यार कॉम्यूनल लोग तो ना एक धर्म को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और उस धर्म के लोगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं और थोड़ी कुछ करते हैं, क्या हो गया फिर, थोड़े बहुत धर्म, एक धर्म के लोगों को मार डाला तो क्या हो गया? नहीं, कॉम्यूनलिज्म सिर्फ कुछ लोगों को प्रभाव नहीं पहुंचाता है, कम्युनिज्म पूरी इंडिया को प्रभाव पड़ाता है। इट थ्रेटन्स द होल इंडिया, वो हमारे पूरी इंडिया की जो फाउंडेशन है ना, जो संविधान जिसपे हम इतना गर्व करते हैं, इतना फक्र करते हैं, उसे एक तरीके से डराता और धमकाता है कॉम्युनलिज्म। इट थ्रेटन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए बोला जाता है कि कॉम्युनलिज्म को कॉम्बैट करना, यानी कि हराना बहुत जरूरी है। और कॉम्युनलिज्म को हराने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स काफी नहीं है। जब तक हम अपने दिल दिमाग में ये स्टीरियोटाइप, अलग अलग रिलीजन के लिए स्टीरियोटाइप्स को नहीं मिटाते ना, ये अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड हेट्रेड की भावनाओं को नहीं मिटाते ना, तब तक देश से या देश की पॉलिटिक्स से कॉम्युनलिज्म नहीं जाएगा। क्योंकि देश कौन बनाता है? देशवासी, राइट? ओके, यहाँ क्या दिख रहा है हमें? हाँ, यहाँ हमें दिख रहा है एक और कार्टून। कार्टून में ऊपर लगी हुई है गांधी जी की फोटो और नीचे लगी हुई है सीएम की चेयर, और सीएम की चेयर पे बने हुए हैं अलग अलग रिलीजन के चिन्ह। क्रिश्चियनिटी बना हुआ है भाई, सिखिज्म बना हुआ है, इस्लाम बना हुआ है, हिंदुइज्म बना हुआ है, अलग अलग चेयर बने हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस चेयर इज फॉर द सीएम डेजिग्नेट टू प्रूव हिज सेकुलर क्रेडेंशियल, देयर विल बी प्लेंटी ऑफ रॉकिंग। बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि सेकुलरिज्म को डेमोक्रेसी में चलाना कोई आसान बात नहीं है। जिस भी धर्म के सीएम बने,
या प्राइम मिनिस्टर बने या प्रेसिडेंट बने, बाकी धर्मों को साथ में लेके चलना, बाकी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देना कोई आसान बात नहीं है। इट्स अ रॉकिंग चेयर, मतलब हिलती डुलती रहती है वो चेयर चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि सोसाइटी में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो प्रॉब्लम्स को केटर करना कोई आसान नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी हम हमेशा बोलते हैं इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, कभी बेस्ट नहीं होती पर हर दिन बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स, दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ सोशल डिविजन्स बच्चा। आई होप यू आर एंजॉयिंग इट, समझ आ रहा है? सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल। और कुछ बच्चे मुझसे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं, ऑनलाइन के लाइव चैट में पूछ रहे हैं, मैम आप पढ़ाते भी हो क्या? हाँ, मेरे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के बीच के बारे में अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, एक व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप क्वेरी पूछ सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, नए वाले कब आएंगे, कब कब क्लासेज होंगी। मैं SST पढ़ाती हूँ उसमें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सुनाई तो दे रही हूँ, कितने बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम आप यू आर नॉट ऑडियबल, झूठे बाप। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। आगे चलते, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ओके, ट्रिकी टॉपिक, कास्ट एंड इक्वालिटीज। तो जेंडर और रिलीजन तो देखो फिर भी दुनिया में अलग अलग देशों में देखने को मिल जाते हैं। कास्ट एक ऐसा डिविजन है जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इंडियन डेमोक्रेसी जिससे जूझती है, ये एक ऐसा सोशल डिविजन है जो इंडिया की सोसाइटी में ही ज्यादातर देखने को मिलता है। ऑल सोसाइटीज हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। देखो जैसे वेस्टर्न कल्चर में हम रेसिज्म ज्यादा देखते हैं, हमारे देश में भी काले और गोरे का भेदभाव होता है लेकिन थोड़ा कम लेवल पे होता है। वेस्टर्न कल्चर में रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है ना, लेकिन इंडिया में कास्टिज्म होता है। कास्टिज्म का मतलब क्या है? कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन को कास्टिज्म बोला जाता है। तो बहुत सारी सोसाइटीज में ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू वन जनरेशन। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा के देख लो, आप कोई भी घराना देख लो, बनारस में बनारसी साड़ी का काम देखोगे तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन फॉलो कर रही है। कितने सारे घर होते हैं, अरे आप नॉर्मली भी आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी देखोगे तो इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है, इंजीनियर की बेटी इंजीनियर बन जाती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऑक्यूपेशन पास ऑन होता है और बहुत सारी सोसाइटीज में होता है। लेकिन कास्ट सिस्टम इस ऑक्यूपेशन को जनरेशनल लेवल पे पास ऑन करने का एक गलत तरीका बन गया था जो बहुत सदियों से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इन दिस डिवीजन कास्ट सिस्टम पहले होता क्या हम समझते हैं। कास्ट सिस्टम बना क्यों था? कास्ट सिस्टम बना था सोसाइटी में थोड़ा सा केओस को कम करने के लिए, सोसाइटी में थोड़ा सा एक सिस्टम लाने के लिए, लेकिन वो गलत पड़ गया। गलत कैसे पड़ गया? हमने ना वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना दिए। देखो मैंने सोशल वर्क में पढ़ा है कि सोशल डिविजन्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मोबाइल, एक होते हैं इमोबाइल। ये थोड़ा NCERT से मैं हट रही हूँ आपकी समझने के लिए। मोबाइल सोशल डिविजन्स होते हैं जब आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गरीबी और अमीरी सोशल डिविजन है, लेकिन अगर मैं आज गरीब हूँ कल पढ़ लिख लूँ महान बन जाऊँ तो मैं अमीर बन जाऊंगी, शायद मेरे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। तो मैंने गरीबी से अमीरी की तरफ डायरेक्शन अपनी ले ली और मुझे अलाउड भी था कि भाई पैसे कमाओ अमीर बन जाओ, है ना, सिंपल है। लेकिन कई सारे सोशल डिविजन्स होते हैं जो इमोबाइल होते हैं, मतलब एक जगह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट आप नहीं जा सकते। कास्ट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो इमोबाइल तरीके का सोशल डिविजन था। उसमें हम क्या करते थे, हायरार्की क्रिएट करते थे कि कुछ कास्ट ग्रुप से ऊंचे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और उस हायरार्की के साथ हम क्या ट्राई करते थे, हम बोलते थे कि अगर आप एक कास्ट ग्रुप में पैदा हो गए हो, पहली बात तो एक कास्ट ग्रुप में पैदा हो गए हो तो आप इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को ही अपनाओगे। कास्ट ग्रुप नंबर X यही काम करेगी, कास्ट ग्रुप नंबर Y यही काम करेगा। तो इस तरीके के आपने ऑक्यूपेशन और हायरार्की को मिक्स कर दिया। फिर आपने बोला कि नो मैटर आप क्या काम कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं है ना, आज का जमाना तो अलग देखने को मिल रहा है, आप किसी भी कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हो, इंजीनियर भी हर कास्ट ग्रुप के हैं, डॉक्टर्स भी हर कास्ट ग्रुप के हैं, लॉयर्स भी हर कास्ट ग्रुप के हैं, लेकिन कास्ट उनकी चेंज नहीं हो पाती। प्रॉब्लम ये है कि बना जब था तब ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बना था, लेकिन इतना रिजिड हो गया बाद में जाके, इतना इनफ्लेक्सिबल हो गया बाद में जाके कि एक कास्ट ग्रुप से दूसरे कास्ट ग्रुप का मूवमेंट पॉसिबल नहीं।
मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप आर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी. और माना जाता है कि एक कास्ट ग्रुप के मेंबर्स एक सोशल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनका सिमिलर ऑक्यूपेशन होता है, वो शादी भी अपनी कास्ट में करना चाहते हैं और वो बाकी कास्ट ग्रुप के साथ उठना बैठना भी नहीं चाहते हैं, खाना पीना भी नहीं चाहते हैं, उनके कल्चर को अपनाना नहीं चाहते हैं. इनफैक्ट कास्ट सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ कास्ट ग्रुप अपने आप को कुछ ज़्यादा महान समझने लग गए थे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि ये काम अच्छा है ये काम अच्छा नहीं है, है ना, कि हम तो अच्छा काम करते हैं तो हम तो ऊंची जात के हो गए, तुम तो बुरा काम करते हो, तुम तो छोटा काम करते हो, तुम तो नीची जात के हो गए. तो कुछ अपर कास्ट लोग बन गए थे कास्ट सिस्टम की वजह से, और वो अपर कास्ट लोग जो होते हैं पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को आउटकास्ट करके रखते हैं. आउटकास्ट करके का मतलब एक्सक्लूड करके रखते हैं, और यहीं से आती है प्रॉब्लम. जैसे छुआछूत का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव क्या करता था पहले इंडिया में, कि बड़े बड़े जो कास्ट ग्रुप होते थे, जो लोग अपर कास्ट लोग हुआ करते थे, वो लोअर कास्ट ग्रुप को अपने साथ उठने बैठने नहीं देते थे, और गांव के जो पब्लिक फैसिलिटीज होती थी ना, जैसे गांव का कुआं, गांव के खेत, गांव की नदी, उसको भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे. तो आप ये क्या कर रहे हो, आप एक्सक्लूड कर रहे हो ना. लेकिन डेमोक्रेसी क्या बोलती है, कि सब लोग इक्वल है. तो चार कास्ट ग्रुप हिस्टोरिकली इंडिया में हुआ करते थे, ये चार कास्ट ग्रुप दिए हुए हैं, चार या पांच, कई कई स्टेट में सात भी फॉलो होते थे, कई कई कम्युनिटी, कई कई सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में ही सात लेवल के कास्ट ग्रुप हुआ करते थे, कहीं चार कहीं पांच, अलग अलग थे, बट हायरार्की थी. हायरार्की मतलब एक दूसरे से ऊपर नीचे था, तो ऊपर नीचे ऊंचे नीचे का भेदभाव जरूर था कास्ट ग्रुप में. मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज मैं कास्ट में बिलीव नहीं रखती हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस टू यू. मैं ये जरूर पढ़ाऊंगी कि कास्ट के नाम पे प्रॉब्लम क्या होती थी. देखो कास्ट कब से एग्जिस्ट कर रहा है मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने इतनी हिस्ट्री तो पढ़ी भी नहीं है कि मुझे पता हो कि कास्ट कब से एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कास्ट बेस्ड अट्रोसिटीज, कास्ट के बेस पे लोगों पे अत्याचार बहुत सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है. और हमारे देश में बहुत सारे सोशल वर्कर्स आए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए, जिन्होंने पूरी मेहनत करके इंडिया से कास्ट को थोड़ा सा सुधारा. ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में इतना अमेजिंग काम किया, गांधी जी ऑल अक्रॉस इंडिया काम किया अनटचेबिलिटी के लिए, भीमराव अंबेडकर जी मिसाल बने यू नो दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, पेरियार रामास्वामी नायकर जी इतने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, इन सारे लोगों ने मिलके कास्ट इनइक्वालिटीज को पढ़ा, समझा और कम करने की कोशिश की. खत्म तो नहीं कर पाए क्योंकि खत्म तो लोगों के ऊपर है, डेमोक्रेसी लोगों से बनती है. जब तक लोगों के दिमाग से कास्ट सिस्टम नहीं जाएगा, कास्ट के बेसिस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं जाएगा, तब तक कितने भी सोशल रिफॉर्मर्स पैदा हो जाए कुछ नहीं कर पाएंगे. तो पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स, तो कुछ उनकी वजह से, कुछ हमारे सोसाइटी में चेंजेस की वजह से, इकोनॉमिक्स में चेंजेस की वजह से, कुछ मॉडर्न इंडिया बनने की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण हुआ है, धीरे धीरे नई नई इंडस्ट्रीज आई हैं, शहर बने हैं, गाँव का कल्चर खत्म हुआ है, लोग जो हैं गाँव से शहर में माइग्रेट करते हैं. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए, जॉब के लिए लोग गाँव से शहरों में आते हैं. तो कास्ट हायरार्की थोड़ी सी कम जरूर हुई है, धीरे धीरे करके टूटनी शुरू हुई है, खत्म अभी नहीं हुई है. देखो जब हम शहर में रहते हैं, और डेफिनेटली जब हम बड़े शहरों में रहते हैं, तो सड़क पे आपके आसपास चल रहे आदमी का या औरत का क्या कास्ट है आपको पता नहीं होता है. लेकिन गाँव में ना सबको सबकी कास्ट पता होती है. इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऑब्सेस्ड होते हैं. आई हैव मेट सो मेनी पीपल जिनका सबसे पहला सेंटेंस या सबसे पहला वही वो होता है, अरे आप भी मेरी कास्ट को बिलोंग करते हो, ये क्या बात, तुमको क्या मतलब मैं कौन सी कास्ट को बिलोंग करती हूँ. लेकिन कहने का मतलब ये है कि रूरल इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में कम है. लेकिन फिर भी अब ऐसी सोसाइटी बन गई है, ऐसी जॉब्स, ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है, ग्लोबली ऐसा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि हर प्रोफेशन में हर कास्ट ग्रुप देखने को मिलता है. अब ऐसा नहीं है कि इसी कास्ट ग्रुप के लोग यही काम करेंगे, हर जगह हर तरीके के लोग देखने को मिलते हैं. एक सेकंड में चार्जर लगा लूँ, लैपटॉप ऑफ हो जाएगा. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान तो बहुत बढ़िया है. देखो संविधान तो मुझे बहुत पसंद है. संविधान बोलता है कि कास्ट के बेस पे तो छोड़ो, रिलीजन के बेस पे, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. पॉलिटिकल इक्वालिटी है, वन वोट वन वैल्यू है, भाई सबको वोटिंग का अधिकार है और सबके वोट की वैल्यू जो है सेम है. तो इसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम कम हुआ है. अर्बनाइजेशन होता है बच्चा जब रूरल इंडिया से धीरे धीरे शहर बनने, शहरीकरण मतलब किसी भी जगह को टाउन बना दो फिर शहर बना दो, उसको शहरीकरण कहते हैं. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी मैंने यहाँ पे बताई दिया है. कास्ट हायरार्की भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिए. हायरार्की का मतलब होता है ऊंच नीच का भेदभाव. जब आप बोलते हो ना मैनेजर जो है असिस्टेंट मैनेजर से ऊंचा है, तो इसे एक तरीके की हायरार्की बोलते हैं. प्रिंसिपल मैम क्लास टीचर सर से बड़ी हैं, ये भी हायरार्की का मॉडल है. ठीक है, 10th क्लास के बच्चे ज़्यादा सुपीरियर हैं 8th क्लास के बच्चों से, हायरार्की है अगेन. अच्छा ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मैंने आगे चलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करते हैं. तो डेफिनेटली
कास्ट सिस्टम कम हुआ है, लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि कास्ट इंडिया से चला गया है या आजकल तो कास्ट के नाम पे कुछ नहीं होता, बल्कि लोअर कास्ट लोग जो है उन्हें ज़्यादा फायदा होता है, आपको मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। डेटा अभी भी यही बोलता है कि कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी लोग अपनी ही कास्ट में शादी करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं अपनी ही कास्ट में शादी करें। अनटचेबिलिटी इतने भयानक इंडिया में लॉज बनने के बाद भी खत्म नहीं हो पाई है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है किसी से छुआछूत का भेदभाव नहीं करना, फिर भी होता है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में अनटचेबिलिटी देखी है, मैंने BHU में अनटचेबिलिटी देखी है, मैंने सोसाइटी के ऐसे ऐसे पार्ट में ऐसे ऐसे लोगों को अनटचेबिलिटी करते हुए देखा है जहां आप विश्वास भी नहीं करोगे। तो अनटचेबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। अब देखो कास्ट सिस्टम से क्या हुआ था ना कि सदियों से चला आ रहा था, तो सदियों से चला आ रहा था तो अपर और हायरार्की थी, मतलब कुछ कास्ट ग्रुप अपने आप को बड़ा समझते थे, कुछ कास्ट ग्रुप को नीचे रखा जाता था। तो जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें अपर कास्ट बोला जाता है, आज भी बोला जाता है, बताओ, शब्द भी चेंज नहीं हो पा रहे हैं। तो अपर कास्ट ग्रुप लोग जो होते हैं उनको सदियों का एडवांटेज है ना भाई, उनके पास एक्सेस हुआ करता था। जैसे ब्राह्मण्स को बोला जाता था कि रीडिंग से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड जो काम है वो ब्राह्मण्स देखेंगे, तो अलग अलग कम्युनिटीज के पास अलग अलग एक्सेस मिल गया। एजुकेशन का एक्सेस कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के पास होता था, लिटरेसी का एक्सेस कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज के पास होता था। तो सदियों से उनके पास एक एडवांटेज आ गया है। उस एडवांटेज, उस गैप को फिल करने के लिए हमारे संविधान ने कई सारी चीजें की, पर वो एनफ नहीं है। एनफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों के दिलों में है, दिमाग में है कास्ट। द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्डर सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। तो जिन कास्ट ग्रुप के पास सदियों से एक्सेस था एजुकेशन का, उनके उनकी पीढ़ियां पढ़ी लिखी होती थी, तो आज उनके बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन में बहुत आगे जाते हैं। ये डेटा बताता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज, पर्टिकुलर लोअर कास्ट कम्युनिटीज में ओवरऑल अगर इंडिया लेवल पे देखोगे, एजुकेशन आपको आस पड़ोस में, एक्सेप्शन आपको आस पड़ोस में मिल जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया लेवल पे देखोगे तो जो पर्टिकुलर लोअर कास्ट कम्युनिटीज हैं आज भी उनमें लिटरेसी कम है, प्रोग्रेस कम है, डेवलपमेंट कम है। एंड इट इज ऑल बिकॉज, क्योंकि कास्ट इतनी सदियों से चला आ रहा है और इतनी सदियों से डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, राइट? आज भी हमारे इंडिया का शहर का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोग अपर कास्ट हैं। क्यों हैं वो? गरीब क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास सदियों का एडवांटेज है। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो इकोनॉमिक स्टेटस में तो कास्ट का क्या रोल था हमने देख लिया कि सदियों के एडवांटेज की वजह से आज भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है। पॉलिटिक्स में क्या रोल है देखते हैं। इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म कास्टिज्म इज रूटेड एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में हमने पढ़ा कि कम्युनलिस्ट लोग मानते हैं कि भाई रिलीजन ही सोसाइटी का अधिकार है। उसी तरीके से जो कास्टिस्ट लोग होते हैं, जो कास्ट के भेदभाव में विश्वास रखते हैं, उनका मानना है कि सिर्फ कास्ट ही सोसाइटी का आधार है। सिर्फ तो नहीं हो सकता यार, मतलब सोसाइटी में और भी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन नहीं, कास्टिस्ट लोग बोलते हैं कि यही है बस जो है। इस थिंकिंग के साथ लोग ये भी विश्वास रखते हैं कि अगर आप सेम कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपके सेम इंटरेस्ट होंगे, आपकी सेम विचारधारा होगी, आपकी सेम जरूरतें होंगी, और आप दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपकी दूसरी जरूरतें होंगी, दूसरी विचारधारा होगी, और आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप दूसरी कास्ट के लोगों के साथ हमेशा लड़ते रहो, गुस्से में रहो। Doesn't make sense. As we saw in the case of communalism, such a belief is not borne out by our experience. Caste is one aspect of our experience, but it is not the only relevant or the most important aspect. Definitely, हमारी identity का एक part हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने caste group के लिए आप proud feel मत करो, proud करो, चाहे आप किसी भी caste group से belong करते हो, proud feel करने में कोई बुराई नहीं है, अपनी caste community के culture को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भी तो समझो कि बाकी caste groups को भी तो respect करना जरूरी है। और सिर्फ आपकी कास्ट आपको डिफाइन नहीं करती, आपके बाकी एट्रीब्यूट्स भी आपको डिफाइन करते हैं। आप कितने काइंड हो, आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लॉयल हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, ये भी तो चीजें मायने रखती हैं। डेमोक्रेटिक हो, एनीवे लेट्स टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स। जब पार्टीज, अब देखो पार्टीज को क्या चाहिए, पार्टीज को चाहिए इलेक्शन में जीत। इलेक्शन में जीतने के लिए वो जैसे रिलीजन का इस्तेमाल करती हैं तो कास्ट का भी इस्तेमाल करती हैं। जब पार्टीज अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करती है ना इलेक्शन में, तब वो उस जगह की, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हो रहे होते हैं, जिस भी जगह पे इलेक्शन हो रहे होते हैं, जिस भी स्टेट पे इलेक्शन हो रहे होते हैं इंडिया के, तो पॉलिटिकल पार्टीज ये ट्राई करती हैं कि पहले ही ना स्टडी कर लें उस जगह की, कि भाई इस जगह की ना कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, कौन सी कास्ट कितने परसेंट में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। डेटा तो मिल ही जाता है, गूगल करो सब मिलता है ना, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास तो और भी सोर्सेज होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह की कॉम्पोजिशन निकाल ली जाती है, फिर उस कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज चालाकी करके हर कास्ट ग्रुप से एक 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 कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं।
क्यों? ताकि सारी कास्ट ग्रुप के लोग खुश रहे, कोई भी कास्ट ग्रुप का लोग के लोग ये ना बोले कि यार हमारी कास्ट से तो कैंडिडेट है ही नहीं, हम तो वोट देंगे ही नहीं। सारे लोगों को खुश रखने के लिए किया जाता है ताकि सबके वोट आपकी जेब में आए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज यूजली ये देखती हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, फाइंड अ प्लेस इन इट। तो जब गवर्नमेंट भी बनती है, जैसे मान लो सरकार बननी है, अब आपको पोजीशंस देनी है अपने पॉलिटिकल पार्टीज में, तो बहुत सारे मेंबर होते हैं ना, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के बहुत सारे मेंबर होते हैं। जब सरकार बनानी होती है ना, तो वो ऐसे मोर इंक्लूसिव सरकार बनाने की कोशिश करती हैं अगेन, ताकि अंदर जो भी चल रहा हो, उनके दिल दिमाग में जो भी चल रहा हो, इलेक्शन कैंपेनिंग में अब इन्होंने जैसे भी वोट मांगे हो, लेकिन ये ट्राई करेंगे कि जब एक बार सरकार बन गई तो हर कास्ट ग्रुप के लोग आपकी सरकार में दिखें, ताकि कोई ये आप पे इल्जाम ना लगा सके कि आप कास्टिज्म फॉलो करते हो। ठीक है, बड़ी चालाकी से किया जाता है ये, सारी पार्टीज करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शन मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। भाई जब आप रिलीजन के नाम पे वोट मांग सकते हो, तो कास्ट के नाम पे भी वोट मांग सकते हो। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पे ही बनी हैं, बनी ही कास्ट पॉलिटिक्स पे हैं, तो मांगती हैं कास्ट के नाम पे वोट, बोलती हैं कि आप हमें जिताएंगे तो हमारी कास्ट का भला होगा, हमारी कास्ट जो है उन्नति करेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बोला जाता है ऐसे, खुलेआम बोला जाता है। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड अदर्स आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो कई सारी ऐसी कास्ट हैं जो आउटराइट इंडियन पॉलिटिक्स में, जो लोग पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही ये पर्टिकुलर पार्टी जो है ज्यादा अहमियत देती है। राइट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गेयर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इट ऑल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट हियर टू ट्रीटेड एज इंफीरियर इन लॉ। लेकिन गेम बदल दी पता है किसने? हमारे संविधान ने। हमारा संविधान कहता है पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सबको वोटिंग का अधिकार है, नो मैटर आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब आप किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से बिलोंग करो, आपके हर वोट की वैल्यू एक है और हर वोट की वैल्यू समान है। तो इसकी वजह से ऐसा होता है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करती हैं, लेकिन वो बाकी कास्ट ग्रुप को ना छोड़ती नहीं है। बाकी कास्ट ग्रुप को आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है वोटिंग का अधिकार तो उनके पास है ना, सिर्फ आपकी कास्ट के लोगों के पास तो नहीं है वोटिंग का अधिकार। तो आपको सारी कास्ट को एक तरीके से मक्खन लगा के चलना पड़ता है। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से ये भी हुआ है कि जो कास्ट ग्रुप हिस्टोरिकली या कल्चरली पिछड़े थे, लोअर कास्ट ग्रुप स्पेशली जो पिछड़े थे, सोसाइटी में ही उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, पॉलिटिक्स तो दूर की बात, उनको भी अब पॉलिटिक्स में आगे आने का मौका मिला है, क्योंकि उनको भी समझ आया कि वोट तो हमारा भी मायने रखता है, सबका वोट तो समान है ना, तो हाँ क्या मैटर करता है कि कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हैज सिक्योर्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी। द फोकस ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग, दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, हमें ऐसा लग जरूर सकता है जब हम इंडियन पॉलिटिक्स को देखें और इंडिया की सोसाइटी के सोशल डिविजन्स को देखें, तो वी कैन अज्यूम कि इंडिया में सिर्फ कास्ट 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 होता होगा पॉलिटिक्स में। ऐसा है नहीं, ऐसा बहुत ज़्यादा है नहीं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा देखा जाता है कि किसी भी कास्ट को आज तक क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई। भाई हमारे यहाँ अपर कास्ट मेजोरिटी में अगर मिलते हैं और लोअर कास्ट लोग माइनॉरिटी में मिलते हैं, या कुछ भी अगर रैंडम चलता है, तो कभी तो ऐसा होता है ना कि किसी कास्ट ग्रुप को क्लियर मेजोरिटी मिलती, लेकिन आज तक नहीं हुआ। एवरी कैंडिडेट इन द पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। तो सोसाइटी इतनी हिट्रोजेनस है, सोसाइटी में इतने अलग अलग कास्ट ग्रुप प्रेजेंट है हमारे यहाँ, कि सिर्फ आप एक कास्ट को बेसिकली मक्खन लगा के इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको सारे कास्ट से वोट बटोरने पड़ेंगे। और इनफैक्ट ये भी देखा गया है, अगर कास्ट के नाम पे ही हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिक्स होती, कास्ट को इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन सिर्फ कास्ट के नाम पे इलेक्शन जीत नहीं पाते हो आप, क्योंकि आप जितना मर्जी अपने कास्ट ग्रुप के लोगों से बोल दो कि मुझे ही वोट देना, मुझे ही वोट देना, मैं तुम्हारी कास्ट का हूँ, तुम्हारी कास्ट का हूँ, फिर भी आपकी पर्टिकुलर कास्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको वोट नहीं देंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के सारे लोगों ने अपने ही कास्ट वाले कैंडिडेट को जिताया हो। कुछ ना कुछ मतलब मेजोरिटी कर सकते हैं वोट, लेकिन कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आपकी सेम कास्ट को भी बिलोंग करेंगे लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे, उन्हें दूसरा कैंडिडेट पसंद होगा। तो कास्ट को वोट बैंक की तरह देखा जरूर जाता है, लेकिन वोट बैंक की तरह इसीलिए देखा जाता है, ट्राई यही किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के जितने ज्यादा लोग हो सके आपको वोट कर दें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे आपको वोट करेंगे। समझ रहे हो ना आप? आगे चलते हैं।
मेनी पॉलिटिकल पार्टीज मे पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट. सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट. मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट. कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मान लो इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे ना कास्ट एक्स जो है ज़्यादा लोग हैं कास्ट एक्स के, कास्ट वाई के कम लोग हैं, कास्ट जेड के कम लोग हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट जो भी इलेक्शंस में खड़े होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से, उसमें ज़्यादातर लोग कास्ट एक्स को बिलोंग करते हैं. तो ये फिनोमेना ज़रूर देखा जाता है कि कभी कभी सारे ही कैंडिडेट एक ही कास्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कभी कभी सारे कैंडिडेट अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं, कभी कभी एक कास्ट ग्रुप के ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, दूसरे कास्ट के कम कैंडिडेट होते हैं. तो हाँ, ये ज़रूर देखा जाता है, लेकिन आपकी कास्ट आपको इलेक्शन की जीत मतलब सिक्योर कर दे ऐसा नहीं होता. द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी एंड एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन अ कंट्री. That could not have happened if all the caste and the communities were frozen in all political preferences. और अगर सिर्फ कास्ट के नाम पे आप इलेक्शन जीत सकते होते हैं तो कोई तो हारता ही नहीं भाई. अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन गए हो अपनी कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करके, तो अगली बार भी तो आपके कास्ट के लोग आपको जिताएंगे ना, क्योंकि उनको थोड़ी मतलब है आप काम अच्छा करते हो कि बुरा करते हो, उनको तो सिर्फ कास्ट से मतलब है. लेकिन ऐसा नहीं होता. लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज में, एटलीस्ट हमारे देश में, वोटर सिर्फ कास्ट को देख के वोट नहीं डालते हैं, वोटर्स कैंडिडेट को देते हैं. हमारे देश में तो बल्कि ये ट्रेंड देखा गया है कि लोगों को पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा पसंद होती हैं एज कंपेयर टू देयर एलिजेंस टूवर्ड्स देयर कास्ट. तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी पकड़ लेते हैं हमारे देश के लोग कि हमें तो यही पार्टी पसंद है, फिर उसमें से कौन सी कास्ट का कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा हो रहा है या खड़ी हो रही है उनको मतलब नहीं है, वो ध्यान भी नहीं देते, राइट पीपल. और ये भी तो सही बात है कि एक कास्ट के अंदर ही लोगों के इतने अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज हो सकते हैं. भाई मैं जिस कास्ट को बिलोंग करती हूँ उसमें ही मैंने अब 5 लोग बिठा दिए ना, तो उन 5 लोगों के अलग अलग विचारधाराएं होंगी, इंडिया को लेके भी, पढ़ाई को लेके भी, हर चीज को लेके अलग 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 उनके आइडियाज होंगे. और अमीरी और गरीबी भी तो एक फैक्टर है. आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, सामने वाला इंसान भी हो सकता है कि आपकी सेम कास्ट को बिलोंग करता है, लेकिन आप अमीर हो और वो गरीब है. तो गरीब लोगों की जो जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, वो कास्ट पे थोड़ी डिपेंडेंट होती हैं. उनको क्या चाहिए, उनको अच्छी जॉब चाहिए, उनको अच्छा घर चाहिए, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहिए. कास्ट क्या है, क्या मायने रखती है. सिमिलरली एक कास्ट ग्रुप के आदमियों की एक कास्ट ग्रुप की औरतों से अलग एस्पिरेशंस या अलग जरूरतें या अलग अलग डिमांड हो सकती है. तो और कहने का मतलब है और भी सोशल डिविजन हैं जो पॉलिटिक्स में रोल प्ले करते हैं. रिच पुअर, मेन विमेन, रिलीजन, लैंग्वेज, स्टेट, है ना, एज, लिटरेसी, अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. सिर्फ कास्ट पे इलेक्शन नहीं जीत सकते. पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स मैटर एंड आर मोर डिसिसिव इन इलेक्शन. तो लीडर कैसे काम करते हैं, लीडर का क्या, कैसी स्पीचेस देते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पास्ट में उन्होंने कैसा काम किया है, इस सब पे वोटिंग ज़्यादा होती है, बाकी चीज़ों पे कम होती है. ये यहाँ पे एक कार्टून दिखा रखा है, इसमें बहुत सारे लीडर हैं और ऊपर लिखा हुआ है द वोट बैंक ऑफ इंडिया. और वोट बैंक ऑफ इंडिया में अलग अलग कास्ट ग्रुप यहाँ पे दिखाए हुए हैं, राजपूत, यादव, लोहार, कोयरी, अहेर, कुर्मी, बहुत सारे अलग 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 कास्ट ग्रुप दिखाए हुए हैं, एससी, एसटी, गुजर. सो ये सब क्यों दिखाए हैं, क्योंकि लोग मतलब डेफिनेटली सिर्फ कास्ट के नाम पे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन कास्ट को इस्तेमाल तो जरूर किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए. वही दर्शा रखा है कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का लॉकर खोल के उनके वोट बटेरने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट. अभी हमने पढ़ा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब पढ़ते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट. सैडली सिर्फ कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं जीती जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली कास्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में इतनी जड़ें फैला चुका है कि कास्ट को पॉलिटिसाइज जरूर कर रखा है. बच्चा दोनों चीजों में डिफरेंस है. कास्ट इन पॉलिटिक्स का मतलब है कि पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब है कि कास्ट के अंदर क्या पॉलिटिक्स होती है, कास्ट के नाम पर क्या पॉलिटिक्स क्रिएट की जाती है, वो पढ़ेंगे, राइट. पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिक्स किस कास्ट में क्या पॉजिटिव चेंज लाती है, किस कास्ट में क्या नेगेटिव चेंज लाती है, वो समझते हैं. इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिटन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज. तो कहने का मतलब है इंडियन डेमोक्रेसी की बात करो अगर, तो पॉलिटिक्स कास्ट से कंट्रोल तो नहीं हो पाती, लेकिन कास्ट में पॉलिटिक्स जरूर घुसा दी जाती है. हर कोई कास्ट ग्रुप जो होता है, किसी भी कास्ट ग्रुप की बात करो, अपर है, लोअर है, डजेंट मैटर, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर. हर कास्ट ग्रुप ट्राई करता है पॉलिटिक्स में, या हर कास्ट ग्रुप सोसाइटी में ट्राई करता है कि आसपास के जो कास्ट ग्रुप है ना उनको भी अपने में ही इनकॉर्पोरेट कर ले या एक बड़ा समूह बना ले, तो फिर हम लोग जो है ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे. डेमोक्रेसी में क्या गेम चलती है, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी की गेम चलती है ना, कि जितने ज्यादा वोटर
जितने ज्यादा वोटर उसी उसी की जीत निश्चित, जो जितने ज्यादा वोटर बटोर पाए, है ना। तो कई लोग क्या ट्राई करते हैं कि हम अगर इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो हमारे से मिलती जुलती जो कास्ट ग्रुप है ना, या हमसे जस्ट नीचे वाला कास्ट ग्रुप, या हमसे जस्ट ऊपर वाला जो कास्ट ग्रुप है, क्योंकि हायरार्की है, उसको भी अपने साथ बटोर लेते हैं ताकि हमारा जो समुदाय है ना वो बड़ा बन जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सेम कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि अपनी जो जरूरतें हैं वो अलाइन कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसे गेम्स पीरियड चाहिए और जिसे ड्रॉइंग पीरियड चाहिए, बेसिकली साइंस पीरियड नहीं चाहिए ना आपको, फ्री पीरियड साइंस पीरियड नहीं होना चाहिए। तो सब लोग क्या करेंगे, ड्राइंग पीरियड की इच्छा रखने वाले लोग, गेम्स पीरियड की इच्छा रखने वाले लोग एकजुट हो जाएंगे और फिर सब साथ मिलके बोलेंगे कि हमें साइंस का पीरियड नहीं चाहिए। इस तरीके का कुछ। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन, ये कोई आसान बात नहीं है। कास्ट ग्रुप जब गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर वाले या अपने से नीचे वाले कास्ट ग्रुप के साथ, तो बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ी लड़ाई, बड़े झगड़े होते हैं, बड़ा नेगोशिएशन होता है, बड़ी वार्तालाप होती है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। न्यू काइंड ऑफ द कास्ट ग्रुप्स, और नहीं तो पॉलिटिक्स की वजह से ना हमारे इंडिया में कास्ट कम तो हुई हो नहीं हुई हो पता नहीं, पर हमारे इंडिया में कास्ट नई नई बन गई है। जैसे हमने अच्छा सोच के किया था, हमने अच्छा सोच के किया था कि देखें भाई कौन से ऐसे कास्ट ग्रुप हैं SC ST कास्ट ग्रुप्स के अलावा जो थोड़े से बैकवर्ड हैं, और उनके लिए क्या हम अच्छा कर सकते हैं। एजुकेशन लेवल पे बैकवर्ड है, इकोनॉमिक लेवल पे बैकवर्ड है, सोशल लेवल पे बैकवर्ड है, और उनके लिए हम क्या अच्छा वेलफेयर प्रोग्राम बना सकते हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक अलग कम्युनिटी बन गई है, अदर बैकवर्ड OBCs, अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप। अब अदर बैकवर्ड कास्ट ग्रुप में एक कास्ट थोड़ी आती है, उसमें बहुत सारी कास्ट आती है, लेकिन वो अलग अलग से कम्युनिटी बन गई है। अब लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज OBC, तो पॉलिटिक्स की वजह से नए नए कास्ट ग्रुप बन गए। ये एक तरीके का प्रभाव है पॉलिटिक्स का कास्ट के अंदर। कास्ट का प्रभाव हमने अलग पढ़ा था, देखो दोनों मिक्स मत करना, क्वेश्चन अलग अलग आएगा। डिफरेंट रोल्स ऑफ द कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉजिटिव रोल, तो कई सिचुएशन में हमने देखा कि कास्ट का डेफिनेटली पॉजिटिव रोल होता है। जब हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हैं कुछ कास्ट ग्रुप को, तो हम क्या ट्राई कर रहे होते हैं, हम ट्राई कर रहे होते हैं कि सदियों से जो भेदभाव चला आ रहा है लोअर कास्ट ग्रुप के अगेंस्ट, वो भेदभाव हम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दे के लोअर कास्ट ग्रुप को अगर मिटा सकते हैं, अगर उनका डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उसमें बुराई क्या है। तो इसकी वजह से पॉजिटिव बदलाव जरूर आया है कि दलित सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ST सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, OBC सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को डिसीजन मेकिंग में ज्यादा तवज्जो मिलने लग गई है, ज्यादा एक्सेस मिलने लग गया है डेमोक्रेसी में, पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कास्ट ग्रुप की वजह से पॉलिटिक्स में कुछ गलत चीजें भी हुई हैं। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग और एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट, फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। तो कास्ट के नाम पे दंगे भी बहुत हुए हैं, कास्ट के नाम पे प्रोटेस्ट भी बहुत हुए हैं, राइट्स भी बहुत हुए हैं। देखो प्रोटेस्ट तो चलो अच्छी चीज़ है, वायलेंस ना होना चाहिए बस, लेकिन राइट्स तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो कास्ट के नाम पे दंगे भी हुए हैं, कितने लोगों ने अपनी जान खोई है कास्ट के नाम पे, है ना। नेगेटिव रोल डेफिनेटली ये है कि एक्सक्लूसिव अटेंशन मिलने लगी है कास्ट कास्ट कास्ट। लोगों को पता है कि कास्ट के नाम पे आप वोट बैंक इकट्ठा कर सकते हो, तो जबरदस्ती पॉलिटिक्स में ज्यादा कास्ट कास्ट होने लग गया है। और इसकी वजह से जो बाकी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि कास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी भी तो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, देश की गरीबी, देश की हंगर, देश का स्टारवेशन, देश में बच्चों का कुपोषण, ये भी तो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ये वाले मुद्दे जो है थोड़ा पीछे हो जाते हैं और कास्ट जो है थोड़ा ज्यादा चलता रहता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है बेसिकली। इन सम कास्ट डिविजन लीड्स टू टेंशन, टेंशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ऊंच नीच का भेदभाव बल्कि बढ़ जाता है कास्ट ग्रुप की वजह से इन सम केसेस। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो कास्ट एसेंशियल एलिमेंट है पॉलिटिक्स का, कहने का मतलब है, लेकिन जब आप पूरी पॉलिटिक्स कास्ट के अराउंड घुमा देते हैं तो दैट्स नॉट वेरी राइट। सिमिलरली रिलीजन भी, रिलीजन और पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते आप, लेकिन रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स चला रहे हैं और डर्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, दैट्स कॉम्युनलिज्म। चलो NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। लाइफ का पूछा है, तो आप इसमें सबसे पहले तो डाल सकते हैं कि औरतों के काम को वैल्यू नहीं है, फिर डाल सकते हैं कि इंडिया में औरतों के काम के पैसे नहीं मिलते हैं जो घर में काम किया जाता है, फिर आप डाल सकते हैं कि सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर है, ऑल ऑफ दैट। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच। अलग अलग तरीके की कॉम्युनल पॉलिटिक्स हो सकती है। जब आप बोल रहे हो कि आपका आपके धर्म के सारे लोगों के सेम ही एस्पिरेशंस हैं, जब आप बोल रहे हो कि आपके धर्म की एस्पिरेशंस या जरूरतें बाकी धर्म के लोगों के अगेंस्ट हैं, जब आप बोल रहे हो कि आपका धर्म दूसरे धर्म सुपीरियर है, तो ये सब क्या है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स है।
देन स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया. इसमें आप लिख सकते हो कि अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस होती है, अर्बन इंडिया में कम होती है, रूरल इंडिया में ज़्यादा होती है, लेकिन वो तो होती है दोनों जगह है. अभी भी आप बोल सकते हो कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज का सबसे बड़ा प्रतीक है कि लोग सिर्फ अपनी कास्ट में शादी करना चाहते हैं, दूसरे की कास्ट में शादी नहीं करना चाहते, दूसरे के कास्ट के कल्चर को अपनाना ही नहीं चाहते. आप इसमें लिख सकते हो कि वो इससे आवाज़ नहीं आ रही थी क्या, आई जस्ट रियलाइज. हाँ, आप इसमें लिख सकते हो कि कास्ट को पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है. आप इसमें लिख सकते हो कि आज भी जो है कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज में. देन स्टेट टू रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया. इसमें आप लिख सकते हो कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक कास्ट ग्रुप के सारे लोग अपनी ही कास्ट ग्रुप वाले कैंडिडेट को वोट करें. या आप इसमें लिख सकते हो कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप हैं तो वोट बट जाते हैं, इसलिए सारे कास्ट ग्रुप को साथ में लेके चलना पड़ता है. देन वॉट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडी. भाई सेंटर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, स्टेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, लोकल बॉडीज में है, वो भी कितना, 1/3. मेंशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया सेकुलर स्टेट. तो हमारा संविधान कहता है जो मन में आए वो रिलीजन फॉलो करो, नहीं फॉलो करना कोई रिलीजन तो मत करो. और हमारा संविधान कहता है कि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. स्टेट मतलब कंट्री, नेशन. व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिविजन्स वी यूजली रेफर टू बायोलॉजिकल. जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम यूजली बायोलॉजिकल डिफरेंस को रेफर कर रहे होते हैं, अनइक्वल रोल को एड्रेस कर रहे होते हैं, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस कर रहे होते हैं, या एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज को. यूजली हम जेंडर डिविजन्स, आई थिंक ए होना चाहिए, ए या बी, मेरे को कमेंट में बताना. आई एम नॉट वेरी श्योर, ए और बी दोनों से लग रहे हैं मेरे को अब, क्योंकि क्वेश्चन में जेंडर डिविजन ऑफ लेबर नहीं दिया है तो मैं ऑप्शन नंबर बी नहीं बोल पा रही हूँ, तो मैं इसलिए ए बोल रही हूँ. बट हो सकता है कि आंसर बी हो. एक बार लाइव चैट बताना आपके स्कूल में क्या चल रहा है. मैम प्लीज़ हिंदी मीडियम भी करवा दीजिए. राधा आई एम सो सॉरी बट मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ एंड देर आर सो मेनी वर्ड्स, बच्चा मतलब सॉरी हिंदी में बोलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जिनकी हिंदी मुझे नहीं आती, तो बहुत मेहनत लगेगी हिंदी को पढ़ के पढ़ाने में, इसलिए मैं हिंदी में नहीं पढ़ाती हूँ. जैसे कॉम्यूनल की हिंदी मुझे नहीं पता, एस्पेक्ट की हिंदी मुझे नहीं पता. अब मैं बहुत मतलब बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आएगी इतनी हिंदी. ए बोल रहे हैं, प्रिंस बोल रहा है ए. प्रिंस थैंक यू. ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. कूल. और करते हैं कुछ सवाल. पहला सवाल नहीं, आठवां सवाल है ये. इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन. इन औरतों के लिए सीट रिजर्व है सिर्फ पंचायती राज में. तो ऑप्शन नंबर डी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कॉमनल पॉलिटिक्स. कॉमनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ. कॉमनल पॉलिटिक्स क्या होता है, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली. अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो सेकुलरिज्म है. फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी. स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज टू स्टैब्लिश डोमिनेशन. आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए ए एन सी. राइट आंसर इज ए एन सी. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता रिलीजन के नाम पे, ये तो बिल्कुल सही है. ऑफिशियल स्टेटस देता है एक रिलीजन को, नहीं बिल्कुल गलत है. बाकी मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन. सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलियर टू इंडिया. पिक्यूलियर का मतलब होता है जो सिर्फ इंडिया में होती हैं. तो सोशल डिविजन बेस्ड ऑन कास्ट, भाई अमेरिका में, अमेरिका में नहीं होता कास्ट, इंडिया में ही चल रहा है. ठीक है. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. एक ऐसा व्यक्ति जो इक्वल राइट्स औरतों और आदमियों के लिए उसमें विश्वास रखता है उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट. ओके, तो 1 2 3 4 फर्स्ट का हो गया बी. एक ऐसा पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी. ये गलत बात बोलते हैं कॉम्युनलिस्ट लोग. तो ये हो गया ए. देखो मुझे आंसर तो अपना यहीं पे दिख गया है बट मैं बाकी भी देख लेती हूँ. अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्टिस्ट. डी. एंड अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, सेकुलरिस्ट. ओके सी. तो राइट आंसर इज यहाँ पे बी. इतना ही था क्या? हाँ इतना ही था. इस चैप्टर की फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर ले लेना उसे, उसे इस्तेमाल कर लेना. थैंक यू संदीप, थैंक यू सो मच. एंड डोंट फर्गेट टू
टू थिंक अबाउट वॉट वी लर्न टूडे, दिस अ वेरी ब्यूटिफुल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी. इरिस्पेक्टिव ऑफ ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा आपके सिलेबस में या आपके पेपर में, आई फील कि दिस इज द ओनली चैप्टर विच मेक्स द मोस्ट सेंस फॉर मी. तो थोड़ा सा सोचना है इस बारे में और मुझे कमेंट्स में बताना लेक्चर कैसा लगा. और एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, तो होमवर्क क्वेश्चन बताना कि इसका आंसर बता देना. क्वेश्चन है, व्हेन वाज विमेन रिजर्वेशन बिल ओहो थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, विमेन रिजर्वेशन बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. पहली बार विमेन रिजर्वेशन बिल इंडिया में इंट्रोड्यूस कब किया गया था पार्लियामेंट में, इन इंडियन पार्लियामेंट. पास तो अभी तक नहीं हुआ है, बात तो कब से चल रही है, तो पहली बार बात कब हुई थी ये बताना आपको मुझे, ठीक है. और मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या कमेंट में भी लिंक है, आपको मिल जाएगा. इफ़ यू फील लाइक यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर और कॉल ऑन दैट नंबर एंड यू विल गेट टू नो मोर. और फिर आप खुद से अपने पेरेंट्स से पूछ के पता लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट और नॉट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बच्चा, टेक केयर एंड या बाय बाय.